व अनुभव से लाभान्वित होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है सर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सर का पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं और सर से मुलाकात करने का मौका हमें जनवरी में मिला। हमारे महाविद्यालय में सर स्वयं उपस्थित होकर अतिथि व्याख्यान दिए, हमारे विद्यार्थी जिससे लाभान्वित हुए, बहुत ही अच्छा सर का व्याख्यान था। और जिन विद्यार्थियों ने उस समय ये मौका चुके हैं उन्हें आज ऑनलाइन रूप से जुड़कर लाभान्वित अवश्य होंगे, ये मैं समझती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही मैं आज के वेबिनार में उपस्थित विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर एवं विद्यार्थियों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आज का जो विषय है वर्तमान समय के अनुरूप है, ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज की जो समय परिस्थितियां हैं उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं वो मनुष्य के व्यवहार के कारण ही विकराल रूप धारण कर लेती है। और यदि हम इस विषय के बारे में इस प्रकार का चिंतन और व्याख्यान यदि करते रहें तो हमारे विद्यार्थियों के बीच किस प्रकार से मानव व्यवहार प्रभावित होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ये समझ उनमें आ जाए तो निश्चित ही उनके परिवार में, समाज में और हमारे राष्ट्र में जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है मैं समझती हूँ कि वो दूर होंगी। और अब मैं ज्यादा समय ना लेकर ससम्मान हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर टांडेकर सर को आमंत्रित करती हूँ, वे आज का उद्घाटन भाषण दे। श्रद्धेय माननीय कुलपति जी और इस सर आवाज अटक रही है, नेशनल वेबिनार में संदीप सर के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, देखिए थोड़ा। संदीप जी मैं कह रहा बाकी सबसे रिक्वेस्ट कर लें कि अपने मोबाइल या जो लैपटॉप को साइलेंट मोड पे कर म्यूट कर लें उसको, ये आप कर दें, आपके पास भी ऑप्शन है। जी आ रही सर आवाज, बोलिए। रुकावट के लिए क्षमा चाहूंगी प्राचार्य महोदय, शीघ्र ही जुड़ेंगे। हेलो पार्वती मैडम, आवाज आ रही है? जी सर जी आ रही, आवाज आ रही है।
बोलिए सर। हेलो, श्रद्धेय माननीय कुलपति जी, जो आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, साथ ही विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार भारल सर उज्जैन से, और हमारे मित्र डॉक्टर अनिल जैन प्राध्यापक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा, इस वेबिनार में अपने उत्प्रेरक विचार को लेकर हम सबके बीच है। मैं इस अवसर पर माननीय कुलपति जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सर से बहुत कम समय में ही मैंने संपर्क किया था। बहुत आभार व्यक्त करता है दोनों विषय विशेषज्ञों के प्रति भी महाविद्यालय आभार व्यक्त करता है। साथ ही साथ वेबिनार में जुड़े प्राध्यापक शोधार्थी छात्र छात्राएं आप सहभागी होने के लिए सर आवाज नहीं आ रही है सर। आज मौसम के कारण कवरेज ही नहीं है लग रहा। इसके पूर्व सर सर एक मिनट, मोबाइल से जुड़ी है सर, मोबाइल से। वाइस चांसलर अटल यूनिवर्सिटी में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर का 40 वर्ष का अनुभव है। सर को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। फेलोशिप ऑफ इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी फेलोशिप ऑफ सर। हाँ हेलो, बंद कर। रॉयल सोसाइटी लंदन फेलो इंडियन माइक्रो कई अवार्ड से भी सम्मान फेलो ऑफ इंडियन किया गया है। नेचुरल रिसोर्स इसके अलावा एजुकेशन ट्रेनिंग सफल संचालन किया है। सर को डॉक्टर नरसिम्हन मेडल अवार्ड, राष्ट्रीय रत्न अवार्ड, दीप अवार्ड, बीरबल साहनी अवार्ड, एस के बरुआ मेमोरियल लेक्चर इन कलकत्ता अवार्ड, सीएसआईआर फाउंडेशन डे लेक्चर, फाउंडेशन डे लेक्चर एजुकेशनल एक्सलेंसी, विद्या रत्न आउटस्टैंडिंग एजुकेशन कंट्रीब्यूशन अवार्ड, स्वामी विवेकानंद एक्सलेंसी अवार्ड, इंडो एशियन एमिनेंट वाइस चांसलर अवार्ड, ऐसे
लगभग सर 13-14 अवार्डों से नवाजे गए हैं। सर के लगभग 13 से अधिक बुक के ऑथर एंड एडिटर हैं। सर 6 जर्नल के एडिटर हैं। नंबर ऑफ एकेडमिक सोसाइटी 13 ऐसी सोसाइटियां हैं। साथ ही साथ सर के रिसर्च वर्क एकेडमिक क्षेत्र में किए गए कार्यों की बहुत बड़ी सूची है, जिसका निश्चित ही मैं उल्लेख करना तो चाहता था लेकिन समय की मर्यादा है। सर रिसर्च गाइड एक्सपीरियंस सर का 36 वर्षों का है और टोटल पेपर्स आर स्कॉलर 2600। सर इन 36 वर्षों में 60 स्टूडेंट सुपरविजन फॉर पीएचडी, 5 स्टूडेंट सुपरविजन फॉर एमफिल, 2 स्टूडेंट वर्किंग फॉर पीएचडी, 5 पोस्ट डॉक्टरल फेलो अवार्ड जो सर के निर्देशन और मार्गदर्शन में संपन्न हुए हैं और हो रहे हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट सुपरवाइज फॉर देयर एमफिल डिग्री 5, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पर्सनालिटी वर्किंग फॉर देयर पीएचडी डिग्री 5, इंटरनेशनल सेमिनार सर ने सर का कंट्रीब्यूशन रहा है, सहभागिता रही है, प्रतिनिधित्व रहा है। मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लगभग 24 ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में सर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सर आज के इस महत्वपूर्ण सारगर्भित और हर व्यक्तियों के जीवन से जुड़े हुए इस विषय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ह्यूमन बिहेवियर पर यही कहना चाहूंगा कि सर का उत्कृष्ट व्यक्तित्व, प्रभारी व्यक्तित्व और उत्कृष्ट व्यवहार ही हम सबको अभिभूत करता है। सर की सादगी, सहजता, सरलता और सहृदयता ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। मैं सर के सानिध्य में, सर के साथ में बहुत कम समय तक काम करने का मौका मिला, लेकिन मैं इतना प्रभावित हूँ सर की प्रेरणा, मार्गदर्शन, ऐसे रिसर्च और एकेडमिक कार्य। करने के लिए निश्चित ही प्रेरणा देती है। अपने आदर्श के रूप में, अपने मार्गदर्शक के रूप में याद करता हूं तो मैं कभी निराश नहीं होता। हमेशा मेरा सहवर्धन मानिकपति जी करते रहे हैं। आज इस सुखद अवसर है कि ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इतने महत्वपूर्ण विषय पर श्रेष्ठ पर्सनालिटी के प्रतीक माननीय कुलपति जी हम सबको अपने उत्प्रेरक विचार, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। महाविद्यालय परिवार माननीय कुलपति जी का हमेशा ऋणी रहेगा इनके मार्गदर्शन आशीर्वाद के लिए। इस वेबिनार में प्राध्यापक, शोधार्थी, छात्र छात्राएं सभी जुड़े हैं। निश्चित ही हम सबको प्रेरणा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय कुलपति जी का धन्यवाद, पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे माननीय कुलपति जी। मैडम ज्योति जी, मैडम रेवती मैडम जी, जी धन्यवाद सर। मैं सर सम्मान आज के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति सर को आमंत्रित करती हूँ आशीर्वचन के लिए।
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस नेशनल वेबिनार में जो ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट नेहरू पीजी कॉलेज डोंगरगढ़ के द्वारा आयोजित किया गया है, उसमें उपस्थित हमारे माननीय डॉक्टर के एल टांडेकर जी, प्राचार्य गवर्नमेंट नेहरू पीजी कॉलेज डोंगरगढ़, हमारे माननीय जो एक्सपर्ट्स हैं आज के, डॉक्टर शैलेंद्र भराल साहब उज्जैन से विक्रम यूनिवर्सिटी, और भराल साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे हमारी मुलाकात भी हुई है, और हमें याद है विक्रम यूनिवर्सिटी से जब आए थे, हम गए हुए थे, एक प्रोग्राम था उज्जैन, महाकाल के दर्शन करने, और डॉक्टर साहब ने जो नमकीन वहाँ की दी थी फरहान साहब याद है, और बड़ा अच्छा लगता है कि एक संबंध बनता है, हम लोग के मुलाकात होती है अच्छे लोगों से, क्योंकि आज का ये टॉपिक बड़ा रिलीवेंस है इन सब चीजों से। और दूसरे हमारे डॉक्टर अनिल जैन जी, प्रोफेसर अनिल जैन जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज छिंदवाड़ा से हैं, मैं वहाँ गया भी हूँ, और आपके तारीफ प्रोफेसर ईवी रिवेटे ने की है काफ़ी, तो ये एक अवसर मिला कि पर्सनली टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, COVID-19 पेंडेमिक किस तरह से फैला हुआ है। और कॉलेज के सभी हमारे रेस्पेक्टेड प्रोफेसर्स और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, सबको सर्वप्रथम मेरा नमस्कार, और खास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर के एल टांडेकर जी जहाँ भी रहे हैं और जब भी उन्होंने कोई कार्य लिया है तो बहुत एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि कॉमर्स से जो फैकल्टी के लोग होते हैं वो बड़े एक्टिव रहते हैं, जहाँ भी मेरी मुलाकात हुई है वो काफ़ी एक्टिव और लगे रहते हैं, और चाहते हैं कि जहाँ भी रहें एक अपने इम्प्रेशन, अपनी छाप वहाँ छोड़ें, और किस तरह से एकेडमिक्स को और आगे बढ़ाया जाए, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको किस तरह से अवसर प्रदान किया जाए और एक नयापन उसमें लाया जाए। तो COVID-19 पेंडेमिक जो 2020 से फैला हुआ है, और इसने एक हमारे सामाजिक जीवन को बदल दिया है, आर्थिक हमारे परिवर्तन पूरे वर्ल्ड लेवल पर अब सामने आने लगे हैं, और इसका हमने कभी सोचा नहीं था कि ये टेक्नोलॉजी भी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी या ह्यूमन बिहेवियर से इन्फ्लुएंशियल करेगी। ये एक बहुत बड़ा एक नया एक इसमें परिवर्तन है, और मुझे याद है कि मार्च 2020 जब 25 मार्च को ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ पहली बार, तो हम लोगों ने बड़े उत्साह के रूप में और इस रूप में लिया कि भाई ये खत्म हो जाएगा बस जब भी वो होगा, क्योंकि परीक्षाएं उस बीच में चल रही थी, और चिंता हम लोगों को ये थी कि हमारी परीक्षाएं इससे अफेक्ट हो गई, अब कब होगी, क्योंकि ये जो पीरियड होता है मार्च से और हमारा मई जून ये बड़ा क्रिटिकल, बल्कि फरवरी से ही शुरू हो जाता है क्योंकि साइंस के प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं, तो बहुत क्रिटिकल जो स्टूडेंट्स हैं मेंटली तनाव में रहते हैं, परीक्षा का तनाव रहता है। उसके बाद ये इस तरह के जो ऑल ऑफ सडन ये डिक्लेयर हो जाना लॉकडाउन या कोरोना, एक नई तरह की बीमारी जिसके बारे में ज्यादा हमको ज्ञान नहीं था, उसके बारे में आना, तो एक तरह से पूरा टोटल शेकिंग, माइंड ब्लोइंग था। फिर उसके बाद में हमारे वर्क कल्चर को बदल देना कि अब क्या करें, कैसे हमारी परीक्षाएं होंगी, किस तरह से हमारा आगे का जो पठन पाठन है, टीचिंग लर्निंग, वो कैसे होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
और मुझे याद है कि शुरू शुरू में हम लोगों के टीचर्स ने इसको चैलेंज लेकर के कैसे इसको कोप अप करें, उन्होंने लिख करके कुछ हैंड रिटेन, किसी ने टाइप करके उनके फोटो उठा करके और व्हाट्सएप वगैरह से अपना कंटिन्यू किया। तो मुझे याद था कि स्पेस क्राफ्ट भी जब इंडिया ने भेजा था तो पहले साइकिल पर बैलगाड़ी में हम लोग लेकर के गए थे, और आज हम दुनिया के ऐसे टेक्नोलॉजी में पहुंच गए कि फर्स्ट हमारे ट्रायल में ही सीधे मून पर उतर गए। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज जब हम शुरू करते हैं तो बहुत रूडिमेंट्री ही होती है, लेकिन सबसे जरूरी है उसके लिए हिम्मत, करेज। और इस करेज को पैदा करने वाले हमारे टीचर होते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स किसी भी समय फेल ना हो, क्योंकि उनके साथ में उनका एक जुड़ाव रहता है। और अपने चिल्ड्रन से भी ज्यादा जो खुशी उनको मिलती है कि किस तरह से इनको ट्रेन किया जाए और अच्छा वो, ये सब चीजें हमारे पर्सनैलिटी के पार्ट है। और ये सब पर्सनैलिटी की जो चीजें हैं, ये हमारे गुरु और शिष्य का जो एक रिलेशनशिप है, जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, ये अनोखा है और किसी देश में इस तरह के रिलेशन नहीं है। क्योंकि और जो देश हैं उनमें एक टीचर और स्टूडेंट का है, हमारे यहाँ गुरु और शिष्य का है। जब हम गुरु और शिष्य की बात करते हैं तो वो बहुत ऊपर मेंटली बहुत ऊंचे उस पर आ जाता है, जो सिर्फ पढ़ाई का पठन का काम नहीं करता बल्कि किस तरह से ज्ञान उसको दे, यानी जीवन में जीने की पद्धति सिखाए और किस तरह से जो जीवन में एक समय समय पर हमारे चुनौतियां आती हैं उनका कैसे सामना करें। ये सारी चीजें हमारे पार्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भाई सम ऑफ टोटल बिहेवियर है, एटीट्यूड है, और क्या हमारे विचार हैं, क्या हमारे सोच है, बिलीव्स है, क्या हमारे ह्यूमन वैल्यू सिस्टम्स हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो जब ये इतनी चीजें आती हैं तो इसका मतलब दो व्यक्ति समान नजर नहीं आते, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस होने के बहुत से रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जेनेटिकल रीजन, जेनेटिकल रीजन हमारे बिहेवियर पर्सनालिटी प्लस हाउ वी रेस्पोंड टू द सिचुएशन, उन सबको डिटरमिन करता है। क्या हमारी हाइट है, क्या हमारा कलर है, क्या हमारे बोलने का ढंग है, क्या हमारे शेप है, ये सारी चीजें जेनेटिकल हैं। बहुत से ट्रेट्स हैं जेनेटिकल, सभी जानते हैं, इसीलिए रीजनल वेरिएशंस मिलता है, नेशनल वेरिएशन, डिफरेंट रेसेस का वेरिएशन, तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस मिलता है। और ये सब भी पार्ट हमारे पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा हमारे एनवायरनमेंट, कि हमको ग्रो करने के लिए व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट अंडर विच वी हैव ग्रोन, वी हैव टेकन बर्थ, we have been given the early education, we have been given the training at home, training or a society in which we have spent our early part of the life, or what kind of our circle of friends is there, all these factors influence our personality development. Even family, how our parents, our grandparents behave with children, how they give the growing
attitude as well as environment for them. Also, the economic conditions, the social conditions, they all make the part to determine behavior as well as ultimately the personality. धीरे धीरे ये हमने देखा कि जो इवोल्यूशन ऑफ हमारे बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड अल्टीमेटली बाय अवर एजुकेशन एंड आल्सो द नॉलेज एंड हाउ ऑल दीज थिंग्स आर पॉजिटिवली डेवलप्ड, रिमूव्ड नेगेटिविटी, converted into positivity. In this way, we move from low personality to the higher level of personality, and also individual thinking to the helping nature, and also living together with others, and particularly in this world when the multicultural, multiracial society is developing, a global society is developing, all these factors influence. These factors are also important, that how our aptitude, the capacity to learn from each other, capacity to participate in various cultural activity, as well as to acquire the particular trait. So some people, they acquire very fast, but some people, they are unable to acquire. Some people, they have inborn qualities to certain traits like sports or music. They are having more interest towards music, or some are very good in drawing from very beginning. So these are the traits which are inborn traits. Sometimes these traits are learned by continuous practice as well as our interest. But these interests are also created by family background. Many times we have seen the family which is having some musician in the house, their children, grandchildren, they refine and they get continue in these things and they earn the name. Environmental factors, as I told, ki how parents behave and give environment to their own children. Kaise wo grow kare, koi cheez ki zarurat hai to turant de dein, encouraging hai ya discouraging hai ya fear creating hai. Abhi aapne dekha hoga ki जो हम लोग के शिवाजी महाराज और जो हमारे बहुत से किंग, उनकी मदर्स और उनका बहुत बड़ा रोल रहा, चाणक्य उनकी मदर का इतना बड़ा रोल रहा टू ग्रो देम एंड टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस एंड आल्सो स्किल लर्निंग कैपेसिटी, जिससे कि उनके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप हो कि दे आर नॉट हैविंग एनी फीलिंग कि दे कैन नॉट डू, दे कैन डू एनीथिंग. सो सम सेट ऑफ दोस करेक्टर्स और दिस फैक्टर्स विच डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल, सोशल, जेनेटिकल, एजुकेशनल things and also the growing of the environment and how the effect of this relationship, social relationship and a cultural environment can give a new personality of a person. अभी आपने देखा होगा जब व्यक्ति मूव कर जाता है दूसरी जगह तो उसकी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है. दूसरी जगह मतलब कहीं विदेश चला गया या कहीं और दूसरे बड़े शहर में चला गया, छोटी जगह है तो वहाँ पर्सनैलिटी एक फार्मिंग सिस्टम में अलग
रहती है, तो वो जो लोकल इन्वायरमेंट है उसका उसके ऊपर फर्क पड़ता है। कभी कभी आइसोलेशन, आइसोलेशन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है चिल्ड्रन के ऊपर, खासतौर से तो इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी हो जाती है, दे डू नॉट शेयर देयर ओन थिंग्स विद अदर्स, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। सो द साइकेट्रिक डिसीजेस टेक्स प्लेस इन सच काइंड ऑफ द पीपल। समटाइम्स व्हाट वी हैव सीन दैट द फूड, द माल न्यूट्रिशन, other things also influence, because they are not able to develop their full potential. They are not able to create the courage because of the suppressive environment in which they are growing. So these are the so many factors which determines the behavior as well as the total personality. Sometimes what we have seen, some of the people, they are always having negativity. Whatever you say, they will say negative things because they have never been encouraged, maybe, or they have not been listened by others, or their suggestions have never been taken. So such kind of negativity develops as a nature of the person, and it is reflected in the personality, in the behavior also, and therefore their output or productivity comes down. So personality development is very important, particularly for our students to grow under such environment, in that school or the college or university, where they can express their full potential as well as learn from each other, particularly learning to live together, because now as a multicultural society, as well as we are going to get the international accumulation of our jobs, so we have to live together with different societies also. So these are some of the factors which are important to determine the personality as well as behavior. So slowly what we have seen, that developed societies are evolved. This determines that what are those developed societies, developing societies, and therefore I am sure that this webinar will be very important, and we have two experts. They will be giving more characteristics, the more traits which are responsible to determine the personality of a person, as well as how the person behave or how he or she respond to the situation. And particularly in this environment, when one side we have pandemic, another side we have the pressure of completion of our job routinely, and how we can create the new opportunity for our youth under this new type of the environmental situation, how we can motivate, mold our students. This is a great challenge. So I am sure our experts will certainly provide more information on this, and I take this opportunity to thank Dr. K.L. Tandekarji to give me this opportunity. I was for few minutes late because we had meeting at 10 o'clock, so this meeting continued, and 12 o'clock we have another meeting. So I will convey my all the best wishes for the success of this webinar, and also wish to say that
this place of this college is very location wise very good, because this is a place of the renowned goddess, and we have the experts Dr. Shailen Bharalji from Ujjain Mahakal Nagari. So this will be the best way to have the influence of these cultural aspects, how these cultural aspects also bring changes in our personality and also in our behavior, because these are very important part of our life. They influence us how we should behave in the society, how we should create more values. And as a teacher particularly, we have more responsibility so that our students follow us and they become one of the most successful personality in this world. So thank you very much to everybody, and namaskar that you have given me this opportunity. Thank you. Namaskar. माननीय कुलपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्तम समय से कुछ हमारे लिए समय निकालें और हमको बहुत ही प्रभावी उत्प्रेरक उद्बोधन से अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया। सर का बहुत बहुत आभार। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे महाविद्यालय के लिए दिया, और मैं अपने प्राचार्य महोदय को भी धन्यवाद देती हूँ। इतने बड़े और महानुभावों को आज के मंच में सर ने उपस्थित किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी प्रकार आपका सहयोग हमें मिलता रहे, धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर शैलेंद्र कुमार भालर सर का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। सर स्कूल ऑफ स्टडीज इन कॉमर्स विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से हैं। मैं सर का पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर का जो परिचय है बहुत लंबा है, पर मैं उसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगी। सर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरपर्सन रहे हैं 2013-16 में, और 2016 से ही सर इसी विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर लगातार वर्तमान में भी हैं। साथ ही विभिन्न बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के। इसमें मुख्यतः बोर्ड ऑफ स्टडीज भोपाल 2014-15 से 2020-21 तक हैं, गवर्नमेंट केआरजी ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज ग्वालियर 2015-17, बरकतला यूनिवर्सिटी भोपाल 2016-19, भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश के 2017-19 तक, गवर्नमेंट सरोजनी नायडू गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज भोपाल एमपी 2019 से वर्तमान में लगातार, और इसी प्रकार सर उज्जैन संभाग एवं जिला के एम्बेसडर प्रोफेसर हैं, और सर मास्टर ट्रेनर रहे हैं लोकसभा विधानसभा एंड लोकल बॉडीज इलेक्शन एंड सेंसस 2011। सर विभिन्न महाविद्यालयों के में आयोजित होने वाले नेशनल सेमिनार वर्कशॉप में चेयरपर्सन रहे हैं, और इसी प्रकार अन्य विभिन्न महाविद्यालयों में आयोजित नेशनल इंटरनेशनल वेबिनार के कीनोट स्पीकर रहे हैं। सर पीएचडी सुपरवाइजर हैं, उनके अंडर में 4 विद्वानों को पीएचडी अवार्ड हुए हैं, और वर्तमान में 8 विद्वान उनके अंडर में रजिस्टर्ड हैं, 3 को एमफिल अवार्ड हुआ है। वर्क एज एक्सटर्नल रेफरी के अंतर्गत एग्जामिन 53 थीसिस रजिस्टर्ड इन जबलपुर ग्वालियर रीवा रायपुर बिलासपुर नागपुर अमरावती प्रयागराज मेरठ
एंड मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़, और सर के विभिन्न पब्लिकेशनों में मुख्य है वे 9 पुस्तकें एवं 7 रिसर्च आर्टिकल्स विभिन्न ISN ISBN जर्नल में पब्लिश किए हैं। इनवाइटेड लेक्चर में सर के द्वारा वर्चुअल क्लासेस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन भोपाल, सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एट विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, PhD कोर्स वर्क क्लासेस एट रिसर्च सेंटर्स ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन एंड RD यूनिवर्सिटी जबलपुर। अदर एक्सपीरियंस में बहुत से एक्सपीरियंस सर के हैं, और समय की सीमा एवं मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं सर के परिचय को विराम देते हुए मैं ससम्मान सर को आमंत्रित करती हूँ। वे अपने ज्ञान एवं अनुभवों से हम सबको लाभान्वित करें। सर, ससम्मान सर, आपको आमंत्रण है। सभी लोगों नमस्कार। मैडम, आई एम ऑडेबल? या सर। सबसे पहले रेवती मैडम को धन्यवाद, उनने काफ़ी बड़ा चढ़ा करके हमारी तारीफ की है, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरे चैलेंजेस बढ़ गए हैं, क्योंकि अब मुझे जो मैडम ने बताया उसकी पर्सनलिटी के ऊपर उतरना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो गया है। आज के वेबिनार के चीफ गेस्ट ऑनरेबल वाइस चांसलर GD शर्मा सर, उनका बड़ा विशाल व्यक्तित्व है, उन्होंने मुझे याद किया नाचीज को। तांडेगढ़ साहब हमारा उज्जैन दो बातों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो महाकाल का मंदिर और दूसरा हमारे यहाँ का नमकीन, जिसका उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया। मंदिर के दर्शन करने के लिए वो आए थे, तो मैंने कहा दूसरी चीज से उनको परिचित करा दूँ, ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने सबके सामने इस चीज़ का उल्लेख किया। महाविद्यालय के प्रिंसिपल एंड पैटर्न ऑफ द वेबिनार बहुत ही सहज डॉक्टर तांडेकर सर, कन्वीनर रेती मैडम, को कन्वीनर प्रोफेसर ज्योति साहू, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रतिभा सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी वासुदेव साहब, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर, अदर स्पीकर और माय बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर अनिल जैन साहब, फैकल्टी मेंबर्स, विभिन्न महाविद्यालयों से आए प्रिंसिपल्स, रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट, और यहाँ मुख्य रूप से डॉक्टर यादव सर, आपके महासमुंद के प्रिंसिपल डॉक्टर देवांगन सर यहाँ पर हैं, और हमारे अभिन्न मित्र महाकाल की नगरी से जिन्होंने सबसे पहले जय महाकाल करा, डॉक्टर केशवमणि शर्मा, इनका नाम मैं उल्लेख करना चाहूँगा। आगरा से हमारे सामने पूर्व प्राचार्य जैन साहब भी जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। आज का जो वेबिनार का हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तांडेकर साहब की विशेषता है कि उन्होंने कहा साहब आपसे निवेदन है, जबकि ये मेरे लिए उनका आदेश के समान है कि आपको इसमें आना है, और तभी से जब मैंने इसके ऊपर अध्ययन किया, पढ़ना प्रारंभ किया, तो एक चीज मुझे समझ में आई कि ह्यूमन बिहेवियर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये दोनों कंपटीटर नहीं है, दोनों प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। विदाउट नोइंग ह्यूमन बिहेवियर वी कैन नॉट सक्सेस ऑफ डेवलप पर्सनैलिटी। और दूसरी तरफ हम ये कहें कि यदि हमें अपनी पर्सनैलिटी बनाना है तो हमें ह्यूमन बिहेवियर को जानना बड़ा आवश्यक है। हम इनको अंतर नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको चाहूँ, यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गेहूं के एक थैले में 5 किलो कंकड़ मिला देता है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यदि हम दूध के अंदर पानी मिला दें तो उसे हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है जो बाद वाली चीज है कि ह्यूमन बिहेवियर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दोनों बहुत ही आपस में मिले हुए हैं। इनको समझने के पहले मैं अपना जो टॉपिक है इसको दो भागों के अंदर बांट करके अपनी विचार रखना चाहूँगा। पहले हम देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर। अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दे करके ह्यूमन बिहेवियर को बहुत क्लियर किया है। तो हम ये देखें कि हमें इसे
इसकी आवश्यकता क्यों है? ये केवल इसीलिए कि हमें अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, इसलिए हमें ह्यूमन बिहेवियर की आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं है। वो एक कारण हो सकता है। यदि हम किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो हमें मानवीय स्वभाव का अध्ययन करना और उसके हिसाब से रिएक्ट करना ये बेहद जरूरी है। हम ये जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कब और कैसे रिएक्ट करना चाहता रिएक्ट करता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कैसे प्रभाव जमा लेता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं, और केवल जोड़ना नहीं चाहते हैं बल्कि हम उनके साथ एक स्थायी रिलेशनशिप चाहते हैं, तो इसके लिए हमें मानव व्यवहार को जानना बहुत ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि हम अपने वर्क प्लेस पे, हम अपनी फैमिली के अंदर, हम अपने समाज के अंदर जब साथ साथ रहते हैं तो कई प्रकार के मतभेद घर के अंदर माता पिता से, भाई बहन से हो जाते हैं, वर्क प्लेस के ऊपर साथियों के साथ हो जाते हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि ये मतभेद ना हो, कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, तो हमें ह्यूमन बिहेवियर का अच्छे से अध्ययन करना होगा। अगर हम सही ह्यूमन बिहेवियर के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी, और यदि वो हो भी जाती हैं तो वी आर एबल टू सॉल्व एज अर्लीस्ट टाइम। दूसरा कि हम इन्फ्लुएंस बताना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप टीम लीडर हैं तो अपने कलीग के बीच में, हम कॉलेज के अंदर टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स हमारी इज्जत करें तो हमें इसे प्रभावित करना पड़ेगा। हमें अपना नेचर स्टूडेंट की साइकोलॉजी के हिसाब से लेकर के आना पड़ेगा। यदि हम मैनेजर हैं, यदि हमें बॉस ने कोई टारगेट पूरा करने के लिए दिया है और उसको हमको प्रभावित करना है, तो कुल मिलाकर के ये है कि आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए और जो हमारे आसपास घट रहा है उनके बीच में अपना प्रभाव जमाने के लिए हमें अपने बारे में और हम जिनके साथ रह रहे हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के व्यवहार के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट की बात हम बाद में करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इससे हमें फायदा क्या होगा। तो सबसे बड़ा फायदा ये है, आज ज़्यादातर स्टूडेंट या रिसर्च स्कॉलर जुड़े हुए हैं और उनका टारगेट है कि हम अपने कैरियर बनाना चाहते हैं। हमें भी याद रखना होगा कि किसी भी व्यक्ति के कैरियर बनाने के अंदर हमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है, किसी एक को आप क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। अब योगदान रहता है कब, ये आप वैल्यूएशन करेंगे जब आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। लेकिन पर्सनैलिटी बनाने के लिए जो व्यक्ति आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लगातार आपको सहयोग करें, वो लगातार आपके सफल होने के लिए अपने एफर्ट्स करें, तो जरूरी है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को समझें। दूसरा, मान लीजिए सफलता आपने प्राप्त कर ली है, इस सफलता को आप स्थायी रखना चाहते हैं, अपना बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको ह्यूमन बिहेवियर को जानने की आवश्यकता है। तीसरा कारण है कि हम किसी टीम के लीडर बनना चाहते हैं। टीम के अंदर बहुत सारे लोग व्यक्ति हैं, सब व्यक्ति लीडर नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसी टीम में से कोई एक व्यक्ति लीडर होगा। हम देखते हैं हर टीम के अंदर कैप्टन एक होता है, क्षमता सब में हो सकती है, लेकिन अवसर किसको मिलता है, जो उस ह्यूमन बिहेवियर को अपने खिलाड़ियों के साथ, कोच के साथ और जो उनकी सिलेक्शन बॉडी दे रखी है उनके साथ वो सही ढंग से प्रस्तुत कर पाता है। तो और एक और ये है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को इसलिए भी हमको समझना है ताकि हमारी एक स्ट्रॉन्ग
एक ड्यूरेबल रिलेशनशिप बन जाए। इससे क्या होगा कि हमारे ऊपर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक अननेसेसरी जो स्ट्रेस आ सकता है हम उससे बचेंगे, अपने परिवार के अंदर, अपने वर्क प्लेस के अंदर हम स्मूथली एक सेटिस्फेक्ट तरीके से काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस मुद्दे पे जो हमको बात सोचते आ गई है कि हमें ह्यूमन बिहेवियर की आवश्यकता क्यों है, इसके क्या एडवांटेज है। अगला प्रश्न फिर यह खड़ा होता है कि हम उसे जानेंगे कैसे, हाउ टू नो ह्यूमन बिहेवियर। तो अगर हम व्यक्तियों की बात करें तो हमारे सराउंडिंग में चाहिए कि लाखों व्यक्ति हैं, अरबों व्यक्ति हैं, उन सबका हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, सन 1750 की बात है, इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर ये बताया ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि लोग रेशनल और सेल्फ इंटरेस्ट में के लिए काम करते हैं। रेशनल यानी व्यक्ति के पास यदि बहुत सारे विवेक, बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो उस ऑप्शंस के अंदर वो लॉजिक लगाएगा कि मेरे लिए कौन सा है, और सेल्फ इंटरेस्ट मतलब वो देखेगा कि मेरे लिए फायदे के अंदर कौन सी चीज है। ये ह्यूमन बिहेवियर। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए कि मार्केट के अंदर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जा रहे हैं और उस प्रोडक्ट के अंदर एक व्यक्ति, एक शॉपकीपर उसे 1000 के अंदर दे रहा है और दूसरा शॉपकीपर उसे 1250 के अंदर दे रहा है। यदि उनकी क्वालिटी के अंदर, उनकी क्वांटिटी के अंदर सब रूप से वो दोनों चीजें समान हैं तो ह्यूमन बिहेवियर आपको ये बोलेगा कि वो 1000 रुपये के जिस जो शॉपकीपर है उससे ये वस्तु खरीदेगा, यानी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, अपने बारे में सोचा उसे फायदा कहाँ पर है। लेकिन ये एकदम सिंपल एग्जाम्पल था। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लें तो ये जो आपकी सेल्फ इंटरेस्ट वाली जो थ्योरी है वो धड़ाम से गिर जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि व्यक्ति सिगरेट पीता है, व्यक्ति शराब पीता है, व्यक्ति पान गुटखा खाता है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या वो नहीं आ पाता है। अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर ने बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किए ह्यूमन बिहेवियर के लिए, कुछ उसको मैंने आपको अपने शब्दों के अंदर बात करने की और रखने की कोशिश की। तो हमारे पास क्या आया कि व्यक्ति फीलिंग्स के आधार पर, यानी हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर काम नहीं करेगा वो, वहाँ पर फीलिंग्स होंगी, वहाँ पर उसके थॉट्स होंगे, उसके आधार पर भी क्या रहता है वो प्रभावित होता है, उसके एटीट्यूड के अंदर, उसके व्यक्तित्व के अंदर क्या आता है, परिवर्तन आता है। एक व्यक्ति को आप देखेंगे कई बार कि कभी वो आपसे नाराज हो जाता है, कभी वो आपसे अच्छी बातें करने लगता है, कभी वो आपसे डरने लगता है, ये ह्यूमन बीइंग। बल्कि वही व्यक्ति उसी दिन के अंदर, अगर हम ये एक स्पॉन्ज आकर के देखा तो भाई तीन रूप हमारे सामने आए, वही व्यक्ति एक ही दिन के अंदर ये तीनों रूप हमको देखने पा जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लें कि हम कई व्यक्तियों को अपनी लाइफ के अंदर एक आदर्शवादी मानते हैं, थॉटफुल पर्सन है कि हम इसके विचारों का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगने लगता नहीं हो तो आप इस चीज को सोच करके देखना कि अनिल जैन साहब है बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन पता नहीं आज अनिल जैन साहब को क्या हो गया, सुबह तो बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, दोपहर को मैंने बात की, क्लास छूटी, क्लास के अंदर बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन क्लास छूटी उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, ऐसी बात करने लग गए। तो व्यक्ति क्या रहता है, समझ नहीं पाता है। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ी सी बात मैंने आपको कही कि इसको हम जाने कैसे, ह्यूमन बिहेवियर टफ टास्क है। हम व्यक्ति गुस्से में है, नाराज है, अच्छे मूड के अंदर है, डरा हुआ है, तो हम किस प्रकार से अपना इंप्रेशन उसके ऊपर बनाएं, हमें किस हिसाब से उससे बात करनी है, जिसे हम कहते हैं ना कहावत में, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे,
इसके सिंपल से कुछ आप टिप्स के लें, कुछ आप प्रिंसिपल्स के लें, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर वन, स्टार्ट विथ आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम और आई डोंट नो। जैसे एग्जांपल के लिए, साहब मैं ये पहली बार कर रहा हूं, मुझे नहीं आता है। कोई व्यक्ति आपने खड़ा कर दिया कॉलेज फंक्शन के अंदर कि तेरे को गाना गाना है, उसने कभी गाना गाया ही नहीं और उसने सीधी सी वाली बात कह दी, आई एम स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो, मुझे गाना गाते नहीं आता। एक मित्र ने उसका वीडियो बना लिया और वीडियो बना के तांडेकर था उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, और जब सोशल मीडिया पर हमने कमेंट देखे तो देयर इज नो नेगेटिव कमेंट, कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी। अब आप कल्पना करें, अगर वो व्यक्ति ये नहीं बोलता कि आई डोंट नो या मैं केवल पहली बार ही ऐसा कर रहा हूं और इसके बाद वो गाने का प्रयास करता तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि भैया जब गाने नहीं आया था तेरे को क्यों खड़ा कर दिया, तू बैठ सकता था, बोल सकता था। कारण क्या है इसका कि जैसे ही आपने वाली बात कही तो वो सामने जितनी ऑडियंस बैठी थी उनकी साइकोलॉजी चेंज हो गई और वो क्या करने लगे, आपके साथ कॉपरेट करने लगे। और कॉपरेट करने के कारण क्या हुआ, उन्होंने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं दिया बल्कि वो कहेगा पहली बार के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, गो अहेड। ऐसा कहने से आपको क्या फायदा होगा, आपको ये फायदा होगा कि आपकी जो नर्वसनेस थी वो दूर हो जाएगी और ऑटोमेटिक एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो पहला तरीका रिएक्ट करने का ये हो सकता है। दूसरा जो हमने देखा ह्यूमन नेचर के अंदर, मानवीय स्वभाव के अंदर, वी ऑलवेज सपोर्ट द वीक और एक्शन टेकन। आप जाकर के देखना, आप हमेशा कमजोर को सपोर्ट करेंगे, आप हमेशा उस व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे जो एक्शन ले रहा है, जो कुछ कर रहा है। अब बॉलीवुड का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सारी हिंदी फिल्म उठा करके देख लीजिए जिसमें हीरो क्या रहता है, गरीब, वीक, और जो विलेन है वो क्या रहता है, रिच। यानी जो प्रोड्यूसर है वो मुझसे और आपसे ज्यादा दर्शकों की स्वभाव को समझता है। और क्या होता है अल्टीमेटली, आप सबको मालूम है, एक फूल दो माली ये पिक्चर का नाम है, हम उसकी स्टोरी समझ सकते हैं कि बहुत वीक होगा, अपने आप को कद्दावर बनाएगा, फाइटिंग करेगा और बाद में फिर वो क्या होगा, रिच हो जाएगा। आप अपने परिवार के अंदर देखें, अगर मान लीजिए किसी परिवार में पेरेंट्स के 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, उनमें से सारे के सारे वेल सेटल्ड है लेकिन एक कमजोर है, तो उन पेरेंट्स की सारी सहानुभूति अगर वो अपनी विल भी लिखना चाहेंगे तो किसके साथ कहेंगे, जो वीक है। तो ये एक ह्यूमन नेचर दे रखा है, इसको हमको देखना पड़ेगा। ऐसे ही आप कई सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी उठा करके देख ले, आपको केवल उसी में इंटरेस्ट आएगा, उसी को आप कंप्लीट करना चाहेंगे जो सिफर से जिसने स्टार्ट किया था, जो शून्य से लाख पर पहुंचा है उसकी स्टोरी को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो अरब से खरबपति बना है उसको आप इतनी तवज्जो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मानवीय स्वभाव है कि हमेशा वो वीक को सपोर्ट करता है, एक्शन टेकर को सपोर्ट करता है। तीसरा ऐसी चीज के अंदर हम देखते हैं, इंस्टेड रिक्वेस्ट देन चैलेंज। आप अपना काम करवाने के लिए, आप अपनी बात मनवाने के लिए, आप सफल होने के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिए बल्कि आप चैलेंज कीजिए और फिर देखिए उसके क्या परिणाम होते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, एक मैं टीचर हूँ और मुझे लगता है कि मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, बी इज द टॉपर, बी इज द स्टूडियस, लेकिन ए नहीं है। अब मैं चाहता हूँ, हर टीचर को लगता है कि उसके सारे विद्यार्थी एक जैसे हों, सारे विद्यार्थी अपना अच्छा मुकाम हासिल करें, सारे विद्यार्थी सफलता प्राप्त करें। अब मान लीजिए मैं ए को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार तू बी को बराबर आ, उसकी टक्कर में आ, बी को पीछे छोड़, तू तो भोंदू है, तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू को भी आगे नहीं बढ़ सकता है, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट का आगे तमगे जोड़ रहे हैं। अब आप उसको इसी बात को दूसरे ढंग से कीजिएगा,
ह्यूमन बिहेवियर देखिए आप यहाँ, उसको आप चैलेंज दीजिए यार, तू बी से कभी ज्यादा नंबर ला ही नहीं सकता है। अगर उसने ऐसे चैलेंज के रूप में ले लिया, दो बातें हो सकती हैं। नंबर वन कि हाँ मैं तो भोंदू हूं, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, मैं तो वीक हूं, तो क्या होगा, हट जाएगा। और जहां आपने उसको चैलेंज दे दिया, बोला अच्छा ऐसी बात है क्या, और उसने चैलेंज ले लिया, उसने इसे अपने ईगो पे ले लिया, तो आप ये मान के चलिए कि वो इसके लिए एफर्ट्स करेगा, और सफलता भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो एफर्ट्स करते हैं। अगर हम वापस यहाँ येलो ग्रीन और रेड वाली थ्योरी के अंदर जाएं, तो उस ये थ्योरी ये बताती है साइकोलॉजी कि 90% जो व्यक्ति हैं वो दूसरे को नीचा दिखाने के अंदर क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, यानी वो। लेकिन जो 10% लोग हैं वो नीचा दिखाना नहीं चाहते, बोले नहीं ठीक है यार, मैं तो सबके लिए काम करता हूँ, एक काम मैंने ये भी कर दिया तो मुझे उसमें नहीं। तो निष्कर्ष ये है कि कई बार आप परिस्थितियों के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से रिक्वेस्ट की बजाय उसे आप चैलेंज दें। नंबर फोर जो मुझे पढ़ने में आया वो है आस्क फॉर एन इजी हेल्प टू बी फ्रेंड। यदि आप सफल होना चाहते हैं, किसी को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, तो आप उससे एक छोटी सी हेल्प मांग लें, उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर ये बोल रहा है कि इसे आगे जाके मेरे काम में आ सकता है, एक अच्छा व्यक्ति है, मैं चाहता हूँ अच्छे व्यक्ति मेरी लिस्ट के अंदर जुड़े, तो आप एक छोटी सी हेल्प मांग लीजिए, उसकी आपको जरूरत नहीं है, वो आप बिना उसके मांगे भी कर सकते हैं। हेल्प मांगने के बाद फिर उसकी आप तारीफ करें, यार देखिए आप कितने अच्छे आदमी हैं, एक बार में आपने मेरी बात मान ली, इससे क्या होगा, वो अपने आप को प्राउड समझेगा, बोले यार इतने से काम के अंदर इतनी तारीफ कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी बदलेगी, तो वो क्या करेगा, कल के दिन अगर आप बड़ी हेल्प भी मांगते हैं, आप मुसीबत के अंदर भी हैं, तो वो हमेशा तैयार रहेगा। ये छोटे छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तीसरा पांच नेक्स्ट जो है वो है फॉर निगोसिएशन सो योर डिसअपॉइंटमेंट। आप कई बार डिसअपॉइंटमेंट पे ही चले जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप किसी शॉप पर जाते हैं और कोई सूट आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी प्राइस दे रखी है 15,000, आप नहीं खरीद सकते उसको, पर खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ ह्यूमन बिहेव कैसे आपकी मदद कर सकता है वो एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। आप उस शॉपकीपर से उस सूट की बहुत तारीफ कीजिए, साहब बहुत अच्छा बना है, जो भी पहनेगा बिल्कुल नवाब लगेगा, वो क्या मेरी बहुत अच्छी इच्छा, हार्दिक इच्छा है इसको लो, लेकिन मेरा जो बजट है वो 12,500 तक है, पर कोट आपका बहुत अच्छा है, पर आप ये देखें, ये स्टडी बताती है कि 80% केसेस के अंदर आपका जो बार्गेनिंग करने का तरीका था, जो आपका डिसअपॉइंटमेंट का तरीका था, वो पॉजिटिव रूप से आता है और आप उसके अंदर क्या करते हैं, सफल हो जाते हैं। मतलब आप सामने वाले व्यक्ति को लगता नहीं यार मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, हमेशा कमाता हूँ एक में ना सही। नेक्स्ट है डोंट एग्री एप्रिशिएट इंस्टेड। आप किसी भी बात पे एग्री आर्गू मत करें आप, बल्कि क्या करें, आर्गूमेंट करने के बजाय उसको आप एप्रिशिएट करें। हम परिवार के अंदर रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, कई बार हमारा मित्रों के साथ, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बहस हो जाती है, उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप भी बहस करते जाएं, या दूसरा सरेंडर हो जाए, सॉरी सॉरी अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, तो बात बनेगी नहीं। इसके स्थान पे आप क्या करें, कोशिश करें मूड को देखते हुए कोई ऐसी बात निकालें जिसमें उसकी तारीफ हो। जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में हर बार झगड़े होते हैं, और जब वाइफ नाराज हो जाए तो आपको क्या लगता है, सबको पता है, तो आप बात को बदलें, ये तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, एक सिंपल जो जनरलपन बोलते हैं, वो सारी चीजें भूल जाएगी, वो क्या होगा, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी। अगर हम किसी अननोन के साथ कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है कि हम आर्गुमेंट ना करें, कोशिश करें आर्गुमेंट के स्थान पे सामने वाले व्यक्ति को एप्रिशिएट करें। दो छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, आप जब किसी से बात करें तो उसको आप नाम को याद करें,
मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट मुझे सम्मान दें, और उसके लिए जरूरी कि आप पढ़ाएं, वो सब करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट नहीं रहते हैं, तो आप जब क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन हो तो बजाय तुम बताओ उसका आप नाम पुकारें। और कई बार हम ये देखते हैं कि हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, बहुत सारे लोगों से एट ए टाइम मिलते हैं, हम सबके नाम याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन जिसका नाम याद रखते हैं और पब्लिकली हम उसको बोल देते हैं, पूरी क्लास के अंदर आपने उसका नाम बोल दिया है, तो आप वो क्या करता है, प्राउड फील करता है, मेरा रिकॉग्निशन है। और बाकी जो क्लास के अंदर बैठे हैं, जो आपके सराउंडिंग्स हैं, उनका भी प्रयास रहता है कि सर या जो मेरे कैप्टन हैं या जो मेरे टीम लीडर हैं मेरे को पहचाने, मेरे को रिकॉग्निशन बने, तो क्या करता है वो मोटिवेट होता है। तो और हम कई बार नाम लेने एक बात है, इसी क्लास के अंदर एक से अधिक बार उस व्यक्ति का आप नाम लें तो क्या होगा, आपको नाम की बात आ जाएगी। और लास्ट ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जितना पढ़ा है, आप कई बार आपकी लाइफ के अंदर किसी व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन है उसको आप इग्नोर करके देखें, आप जब सो रहे हैं, जब रेस्ट के अंदर हैं तो उसको आप इग्नोर करें, और इसके बाद कल्पना करें कि बिना इसकी सहायता के, बिना इसके इसके कॉपरेशन के, बिना इसके वजूद के, क्या मैं अपना वर्क प्लेस पे काम या अपनी लाइफ को इतनी स्मूथली चला सकता था। तुरंत उस व्यक्ति की कुछ मैंने आपको अपनी तरफ से बताएंगे, तारकेश्वर साहू आपसे निवेदन है, प्लीज अपने आप अपना फोन म्यूट ना बोले ना सी पैकेट यार संदीप आप सर नहीं का है ना, फोर्सली आप उसको म्यूट मोड पे डाल दें, जल्दी दो जल्दी दो संदीप रिमूव करिए उनको। एनीवे चलिए ये कुछ टिप्स मैंने आपको कहना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कही थी, अब हम आज का जो दूसरा टॉपिक है वो पर्सनल। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तारकेश्वर जी आपको मेरी आवाज आ रही सुनाई, प्लीज अपना फोन म्यूट कर लें। ओके हम दूसरी बात देखते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सामान्यतः व्यक्ति ह्यूमन बिहेवियर को समझने के बाद हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरीके से ऊपर उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। एक मैंने देखा है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या हम डेवलपमेंट को हटाएं तो पर्सनैलिटी की बात करें, तो पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्ति क्या समझता है, एक हेल्दी व्यक्ति हो, अच्छा दिखता हो, अच्छे कपड़े पहन रखे हों, इसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, अगर इस पे हम महात्मा गांधी को रखें तो बिल्कुल ही खरे नहीं उतरेंगे। लेकिन आज भी सारा विश्व, हम तो मानते ही मानते हैं, सारा विश्व उनकी पर्सनैलिटी को मानता है। और तांडेकर साहब मैंने कहीं पढ़ा है कि जब विश्व शांति नोबेल पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नाम नामित किया गया और उनको नहीं दिया गया तो कई लोगों ने कहा था ये बहुत ही इनजस्टिस हुआ है, अगर उनको नोबल मिलता। कई बार क्या रखती है, यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिला तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, और उन्होंने ये शब्द थे कि अगर ये नोबल शांति पुरस्कार महात्मा गांधी को मिलता तो महात्मा गांधी का सम्मान नहीं होता बल्कि नोबल शांति पुरस्कार का सम्मान होता है। ये उनकी पर्सनैलिटी थी। आज के डेट में आप सोच सकते हैं कि अहिंसा के आधार पर जिनने हमको आजादी दिला दी, बिना युद्ध लड़े, बिना फाइटिंग किए, है ना, उनकी क्या पर्सनैलिटी थी, चद्दर ओढ़ते थे। और मुझे मालूम है कि छोटे छोटे बच्चे बोलते थे माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊंगा। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो मेरा आदर्श उदाहरण है वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। लेकिन हम अपने क्षेत्रों के अंदर कैसे पर्सनैलिटी बना सकते हैं तो इसके लिए हमें ध्यान में रखना, जैसा ऑनरेबल वाइस चांसलर ने कहा कि आपकी योग्यता होना चाहिए, आप में गुण होना चाहिए, आपकी वैल्यूज होना चाहिए, आपके फॉलोअर्स होना चाहिए, ये सब मिला करके
व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। अब हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति किस तरीके से अपनी डेवलपमेंट कर सकता है, अपनी पर्सनैलिटी बना सकता है। उसका पहला नियम दे रखा है, पहली स्टेप है नो योर सेल्फ, अपने आप को जाने। जैसा आप बैंक के अंदर जाते हैं वहाँ क्या बोलते हैं, केवाईसी। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। वो इसके अंदर केवल दो चीज़ें देखते हैं, एक तो हमारा जो कस्टमर है वो वही है इसलिए उसकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए, और दूसरा एड्रेस, इसके आधार पे वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। तो सेम नो योर सेल्फ के अंदर क्या करना है कि हर व्यक्ति सफल होने के पहले अपना स्वॉट एनालिसिस करे। स्वॉट मतलब अब वो स्वॉट हो चुका है, SWOT, टी के स्थान पे क्या हो चुका है, वो सी हो चुका है। अब इसको क्रमशः मैं आपको समझाता हूं कि आप अपना इवेल्यूशन कर रहे हैं तो क्या देखेंगे। एस मतलब स्ट्रेंथ, हर एस्पिरेंट्स को देखना चाहिए कि उसकी अपनी क्या स्ट्रेंथ है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, हमने इसको अभी तक नहीं देखा है लेकिन आप देखें और उसको नोट डाउन करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप एक वृक्ष का आम के पेड़ के नीचे हैं, दूसरा व्यक्ति बोलता साहब ये मेरे पास आम की गुठली है। अब आप मुझे बताइए कि आम की गुठली के अंदर वृक्ष बनने की ताकत है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है, स्ट्रेंथ है उसके अंदर। यदि वो सारे पुरुषार्थ किए जाएं, समय पे हवा पानी खाद रखरखाव किया जाए तो आने वाले वर्षों में वो गुठली आम का वृक्ष ले लेगी। तो हर व्यक्ति को अपनी स्ट्रेंथ देखना चाहिए। दूसरा दे रखा उसका वीकनेस, वीकनेस मतलब आपकी शॉर्ट कमिंग्स, कि आपके पास क्या क्या कमियां हैं। कुछ हो सकता है मैं बहुत लूज टेम्पर सा आदमी हूँ, जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे पढ़ना है लेकिन मैं जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, कई बार मेरी फ्लाइट मिस हो जाती है, कई बार मेरी ट्रेन मिस हो जाती है। तो हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, इनको व्यक्ति को यदि अपनी पर्सनैलिटी बनाता है इनको आइडेंटिफाई करें, इनको नोट करें और फिर ये देखें कि इन कमियों को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, इन कमियों को मैं कैसे हटा सकता हूँ, इन कमियों को मैं कैसे कम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले वो आपके सामने आना चाहिए कि साहब मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, स्वयं से नहीं पढ़ पाता हूँ, तो हमारे पास उसका रिप्लेसमेंट क्या है, कोचिंग। आजकल बहुत सारे हैं, कोचिंग आप ले सकते हैं। तो क्या हुआ, उसने आपकी वीकनेस को हटा करके स्ट्रेंथ को मजबूत कर दिया। तो हर व्यक्ति के अंदर रहती है, उसे केवल क्लासिफाइड करना है, आइडेंटिफाइड करना है, एनालिसिस करना है और आगे बढ़ने का है। तीसरा है आपका अपॉर्चुनिटी, अवसर। देखिए कोरोना का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपदा में अवसर। अगर आप द बेटर इंडिया साइट के ऊपर जाएं तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर भी अवसरों की खोज की है। एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने यहाँ के धार का देना चाहूँगा, अनिल जी साहब, धार में एक व्यक्ति की टमाटर की 8 या 10 टन की फसल खड़ी करी थी और 25 मार्च से लॉकडाउन हो गया, कहीं आप आ जा नहीं सकते हैं। और उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो मैं इनको बेचने देता, फेंकने देता, या दूसरा इसका कुछ करता। तो उस व्यक्ति का एक इंटरव्यू आया था जो मैंने काफ़ी पढ़ा, तो उसने बताया कि साहब मैंने पिछले दिनों एक ड्रायर खरीदा था और जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने घर के परिवार के लोगों से मिल करके टमाटर को तोड़े, उनकी स्लाइस बनाई, ड्रायर के माध्यम से सुखाया और फिर उसका चूर्ण बनाया। और बोले इससे मैं टमाटर की फसल को बेचने के स्थान पर उससे ज़्यादा पैसा मैंने कमाया। ये याद रखा, अवसर, हर जगह अवसर विद्यमान है, ज़रूरत है उनको पहचानने की और उनके हिसाब से काम करने। और तीसरा चौथा जो अपना स्वॉट एनालिसिस के अंदर है, थ्रेट्स यानी चैलेंजेस, जिसको हम बोलते हैं, पहले था थ्रेट्स जिसको हमने किससे कन्वर्ट किया है, चैलेंजेस से कन्वर्ट किया है। तो हर दूर आपके पास क्या हैं, चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस के अंदर आपको देखना है कि कौन कौन से चैलेंजेस मेरे सामने आ सकते हैं
और उन चैलेंजेस के अंदर सफलता की कितनी संभावना है। मैं बार बार छोटे छोटे एग्जाम्पल जो मैंने अपने आसपास देखे हैं उनके माध्यम से अपनी बात रखने की प्रयास कर रहा हूं। बड़े बड़े एग्जाम्पल मेरे जो अनिल जैन हैं वो आपको देंगे, उनको भी हम सुनना चाहेंगे। तो अभी पीएससी के हमारे यहाँ सर एग्जाम हुई और मेरा अपना अनुभव है कि मैं ऑब्जर्व रहता हूँ, 20-25% स्टूडेंट पीएससी के अंदर अपियर होते हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं रहते हैं। फिर जाकर के करीब करीब 20% स्टूडेंट सेकंड पेपर में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग देखने के लिए आए थे क्या इसका पैटर्न क्या है। और फिर आप पूछेंगे तो करीब करीब 20% स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो विदाउट प्रिपरेशन बैठा थे, यानी 60% लोग चले गए। अब आपके पास क्या है, चैलेंजेस क्या है कि आप वो 10 लाख की स्ट्रेंथ मत देखिए, 10 लाख में से 60% तो चले गए हैं, 6 लाख चले गए हैं। अब आपका जो चैलेंज बचा है वो केवल 4 लाख लोगों के बीच में है। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो आप मोटिवेट होंगे अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए। मुझे लगता है नंबर 1 नो योर सेल्फ। दूसरा जो हमारा दे रखा है सेट द गोल। आपको जिस फील्ड के अंदर, बिकॉज देर आर सो मैनी फील्ड एंड सो मैनी सेक्टर्स इन विच यू कैन बिल्ड अप, इन विच यू कैन मेक योर पर्सनैलिटी। ये पुराने जमाने की बात हो चुकी है। जैन साहब मेरे सामने दिख रहे हैं आगरा वाले, सर आपका तो बहुत लंबा अनुभव है, प्राचार्य स्वरूप आप सेवानिवृत्त हुए हैं, आपने देखा होगा कि यह पुराने जमाने की कहावत हो गई कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार। आज स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आपको अपना गोल सेट करना है कि मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य निर्धारण के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं लक्ष्य निर्धारण के लिए आपको जरूरी है कि आप अपना इंटरेस्ट देखें, आप अपने साधन देखें, आप अपनी क्षमता देख सकते। ऐसा ना हो कि आपकी क्षमता से ऊपर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर दिया तो उसे हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपकी रुचि देखें, आपके साधन देखें, आपकी क्षमता देखें और उस हिसाब से आप अपना गोल सेट करें। देखिए कोई व्यक्ति आपसे कह दे साहब मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहता हूं। अनिल जैन साहब हैं, काफ़ी फिल्म मेकर से उनकी पहचान है, ये बताएंगे कि वहां तक क्यों नहीं गई है, अपने उद्बोधन के अंदर हम सुनेंगे उनको। तो ये चाहत है केवल, ये आपकी इच्छा है, ये चाहत और इच्छा गोल नहीं हो सकते। यदि हाँ मैं ये मानता हूं कि आप इस चाहत को, इस इच्छा को गोल में परिवर्तित कर सकते हैं, और उसके लिए मुझे लगता है कि देयर शुड बी 5D, वहां पर 5D होना चाहिए। नंबर 1 डायरेक्शन, चाहत को लक्ष्य में परिवर्तित करने की बात कर रहा हूं मैं आपको, डायरेक्शन मतलब दिशा। नंबर 2 डेडिकेशन यानी समर्पण। नंबर 3 डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। नंबर 4 डिसिप्लिन अनुशासन। और नंबर 5 डेडलाइन एक समय सीमा। यदि हम इन 5 बातों का समावेश अपनी इच्छा के अंदर, अपनी चाहत के अंदर कर दें तो वो जो इच्छा है, वो जो चाहत है, वो क्या होगी, हमारे गोल के अंदर परिवर्तित हो सकती है, हो जाएगी वो। अगला काम जो आपने लक्ष्य सेट कर लिया है, लक्ष्य का आपका निर्धारण हो चुका है, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एफर्ट्स करना होंगे, आपको प्रयास करना पड़ेंगे। और प्रयास करने के लिए जैसा कई बार आप जाते हैं तो वहां लिखा हुआ रहता है डू एंड डोंट डू। आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो आप लिस्ट बना लें कि अब आपको इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। जिसमें एक पिक्चर देख रहा था अर्जुन पंडित, संजीव कुमार की थी, TO2
जियो डू, संजू जियो बोले नहीं जियो गो, ये करना है आपको। टीओ टू और डू वाली बात नहीं करना, मैं आपको यहाँ बोल भी नहीं सकता हूँ, ये क्या दे रखा आपको तय करेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा फिर आपको आगे अपना अनुकूल वातावरण एनवायरमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, जैसे आप रोज बाजार जाते हैं, रोज कॉलेज के अंदर जाते हैं, रोज ऑफिस के अंदर जाते हैं, तो क्या रहता आपका कैजुअल ड्रेस रहती है, लेकिन यदि किसी पार्टी के अंदर जाना है तो फिर आपका वातावरण चेंज हो जाता है, फिर आपको लगता है कि नहीं आप एक गेस्ट हैं, और उस हिसाब से आप तैयार होके जाते हैं, मतलब वो उस पार्टी के हिसाब से आपने अपना वातावरण बनाया। नेक्स्ट फिर इसके अंदर आपको चेंज सराउंडिंग्स, जो आपने लिस्ट तय कर लिया है, वातावरण कर लिया है, तो आपके आसपास जो रहने वाले मित्र हैं, आपको जो मोटिवेट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, आपको सराउंडिंग्स आपका चेंज होगा, आपके पुराने मित्र छूटेंगे, नए मित्र बनेंगे, आप उन सबको एक एक करके हटा देंगे जो आपकी लक्ष्य प्राप्ति के अंदर बाधा बन रहे हैं, जो केवल अपने टाइम पास करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, उनको आप हटाएंगे और आप उनसे जुड़ेंगे जिनसे आपको कुछ गेन हो सकता है, जिनसे आपको कुछ चीजें मिल सकती है, उनकी आप मोटिवेट होंगे। लेकिन ध्यान रखना आप, ये बहुत इजी टास्क नहीं है, कभी आप अजमा करके देख लेना, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि जब मैं 12th से फर्स्ट ईयर के अंदर आया तो मेरी क्लास के अंदर एक टॉपर व्यक्ति था, मैंने उससे मेलजोल बढ़ाने के लिए तो उसने मुझे भाव नहीं दिए, मैं उसके घर गया मिलने के लिए तो उसने गेट से मुझे अंदर नहीं बुलाया कि आओ अपन बैठ के बात करें। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो भी आप अच्छा खिलाड़ी है वो प्रैक्टिस के बाद अच्छा खिलाड़ी बनता है, और हर अच्छा खिलाड़ी किसके साथ प्रैक्टिस करना चाहेगा, जो उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और जो बेहतर व्यक्ति कर रहा है वो उसके साथ प्रैक्टिस करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ह्यूमन बिहेवियर की कुछ टिप्स आपको बताई थी, इनका पालन करके उस व्यक्ति को आपको अपना बनाने का है। नेक्स्ट, जब आप प्रयास करेंगे, आप वातावरण चेंज करेंगे, आप अपना सराउंडिंग चेंज करेंगे, तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। अभी मैं रघु राजन जी का एक लेख पढ़ रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, सब लोगों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा कि एक टीचर ने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को बोला, सबको एक एक टॉफी दी और उनको कहा 10 मिनट तक इसे कोई खोलेगा नहीं, कोई खाएगा नहीं, मैं 10 मिनट के बाद आता हूं, और वो क्लास से बाहर चले गए। जब 10 मिनट के बाद आए तो उन्होंने देखा कि स्टूडेंट, अब टॉफी स्टूडेंट के सामने, छोटे बच्चों के सामने कैसे धैर्य रख सकते हैं। ओनली 7 स्टूडेंट वहां पर ऐसे थे, 7 बच्चे जिन्होंने टॉफी को हाथ देने लगा रहा था, बाकी के सारे बच्चे टेस्ट लेकर के उसके चटकारे लेकर के उसके बारे में बात कर रहे थे। अब उन टीचर ने चुपचाप उन 7 स्टूडेंट्स के नाम नोट किए और बाकी को भी ध्यान रखा, और उनके ऊपर एक स्टडी की जा करके, और कालांतर में उन्होंने जाना कि वो जो 7 स्टूडेंट थे जिन्होंने 10 मिनट का धैर्य रखा था, वो अपने जीवन के अंदर उच्च पदों पर पहुंचे, और साइमल्टेनियसली वो स्टडी उन्होंने बाकी के रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ऊपर की, तो एक सामान्य जीवन यापन गुजार रहे हैं। यानी ये हुआ कि जो व्यक्ति 10 मिनट धैर्य नहीं रख सकता है वो जीवन के अंदर सफल नहीं हो सकता है। जितने भी आप देखें सफलतम व्यक्ति क्यों सफल हुए, क्योंकि वो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर उन्होंने उस धैर्य को रखा। एक छोटी सी कहानी इन्होंने पूना पुलिस की भी दी है कि 2 मित्र थे, उनके बीच में झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे का मर्डर किया शराब पी करके, और जिसने मर्डर किया वो भाग के चला गया। जब सुबह पुलिस वहां पहुंची, उसने इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम चला वो व्यक्ति 2000 किलोमीटर दूर नेपाल के अंदर चला गया। ये 9 जुलाई की बात है, उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर बताया, आर्टिकल में बताया। अब उस पुलिस ने ये तहकीकात की कि इस व्यक्तियों को भारतीय सब्जियां बहुत पसंद हैं, और वो नेपाल के जस्ट जहां वो गया था, क्योंकि नेपाल जा नहीं सकती थे वो लोग गिरफ्तार करने के लिए, इंटरनेशनल वाला मामला था, उन्हें अपनी सीमा में रह करके काम करना था,
तो उन्होंने कहा आज हाट का दिन है, ये व्यक्ति अपनी मन पसंद सब्जी लेने के लिए यहाँ पर आएगा। शाम को 5:30 बज गई, तब तक वो नहीं आया, और जैसे ही वो आया सब्जी खरीदने के लिए, लुंगी और वहाँ की स्थानीय वेशभूषा के अंदर कह रहे थे, पुलिस ने उसको धर दबोचा। तो निष्कर्ष ये है कि जो धैर्य है वो बड़े बड़े वैज्ञानिक से लेकर के पुलिस विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्तियों की सफलता की ये स्टोरी देख। मुझे लगता है कि मेरा समय लगभग समाप्त हो रहा है, 1-2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूँगा। अगली बात आपको ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं कि प्रथम प्रयास में आपको सफलता मिल जाए, वो केवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होते हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्या मिलती है, सफलता मिलती है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, या आपको धैर्य रखने की जरूरत है, और आपको ऐसे व्यक्तियों की सक्सेस स्टोरी पढ़ना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को मिलना चाहिए जो पहले अटेम्प्ट के अंदर सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं, जिनको बाद या और बाद के अवसरों के अंदर मिली है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, स्टूडेंट है जो हमारी टेक्निकल मेडिकल एजुकेशन के अंदर जा रहे हैं, एग्जाम में अपियर होते हैं और उनकी कट ऑफ लिस्ट आती है, उन्होंने लिखा 178, तो 178 और अबव स्टूडेंट्स का दाखिला हो गया, और जिस स्टूडेंट का 177 मार्क्स आए थे उसका दाखिला नहीं हो पाया। अगर हम उन दोनों की योग्यताओं को देखें तो क्या उन दोनों की योग्यताओं में अंतर है? कोई अंतर नहीं है। वो अपने आप को समझा कि आज मेरा दिन नहीं था, है ना, आज मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मुझे इसमें सफलता मिलेगी। तो ऐसे समय में उन सब लोगों को वो सारी बातें ध्यान में रखना चाहिए जो एक से अधिक प्रयास करने के बाद सफल हुए हैं। और संक्षेप में एक छोटी सी स्टोरी जो मुझे बहुत प्रेरित करती है, 2 मिनट के अंदर वो आपके साथ मैं शेयर करके अपनी बात कंप्लीट करूंगा। मैं घूमने का मुझे बहुत शौक है, मैंने एक टूर पैकेज निकाला था आगरा मथुरा वृंदावन का, और जब मैं वृंदावन गया तो वहाँ कुछ स्टूडेंट केरल से आए थे, तानेगर सर, केरल से व्यक्ति संस्कृत सीखने के लिए आया था। केरल से यहाँ पर आए हो? बोले यस सर। क्यों? बोले हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब या तो प्राकृत भाषा में हैं या संस्कृत भाषा में है, ट्रांसलेट वर्जन हमारे यहाँ है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, जो मूल भाव है, वो हमें संस्कृत पढ़ने के अंदर ही समझ में आता आएगा। तो बोले हम यहाँ संस्कृत सीखने के लिए आए हैं, अभी हमारे वेकेशन है, उतनी दूर हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम गाइड का काम करते हैं, हम आपको कम समय के अंदर खास खास चीजें वृंदावन की दिखा देंगे, आपकी इच्छा हो तो हमें पेमेंट देना, नहीं है तो आप मत देना, सब बोल दिया उसने। क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस पे जाता हूँ और आप सब लोगों को परामर्श देना चाहता हूँ कि यदि आप वहाँ की चीज़ों को समझना चाहते हैं, वहाँ से तादा रखना है, तो गाइड जरूर करें। हम बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं लेकिन गाइड की फीस के लिए हम पैसे नहीं देते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो बैठो, मैंने कहा था मुझे खास मैं खुद उज्जैन महाकाल की नगरी से आया हूँ, आप मुझे केवल खास खास बातें, श्री कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, है ना, और ये 2-3 चीज़ें और बता देना, कंस ने उनको कहाँ पकड़ा था। तो घुमाते ले गए पागल बाबा का मंदिर। मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं जाना आएगा, ये अब तो मैगजीन्स वगैरह सब बंद हो गई है, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आई है, वरना मैंने देखा है कि चाहे आप सरिता पढ़ें, धार्मिक पढ़ें, हिंदुस्तान पढ़ें, दिनमान पढ़ें, ये सारी मैगजीन साल में एक बार पर्यटन विशेषांक निकालती थी, और पर्यटन विशेषांक के अंदर वो सब मेंशन करते थे कि यदि आप वृंदावन जाएं तो इसके साथ साथ पागल बाबा का मंदिर जरूर जाएं। विशेषणा का चले चलते इतनी जिद कर रहा है, तो हम गए उस मंदिर के अंदर, मुझे लगा यार मंदिर की घंटी बजाई जाए कि नहीं बजाई जाए, पागल बाबा का मंदिर ऐसा ना रिवर्स होके मेरे सिर में लग जाए। एनीवे सर जब मैं गया तो मैं हतप्रभ रह गया, सारे दिन की थकान दूर चली गई, जो बेचैनी थी वो सब खत्म हो गई, और परिणामों के अंदर एकदम निर्मलता आ गई, आश्चर्यचकित हुए केवल दर्शन मात्र से। जब मैं बाहर निकला तो उस गाइड रूपी बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये मंदिर इतना अच्छा है फिर इस मंदिर को पागल बाबा का मंदिर क्यों बोलते हैं? तो उसने जो जवाब दिया तो मैं सुन के दंग रह गया।
बोले सर ये बाबा थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है, इसीलिए उनके नाम पे नाम रखा पागल बाबा का मंदिर। बोले सर कृष्ण की भक्ति बहुत करते थे, आते थे तो इनको भक्ति में इतना लीन हो जाते थे, इतना तल्लीन रहते थे कि मंदिर बंद करने का समय आ गया है और इनको बोलो कि भैया चलो तो सुनते ही नहीं थे, इसलिए लोगों ने उनका नाम क्या रख दिया पागल बाबा। आप भी सोचो अगर कोई नहीं सुनेगा तो आप क्या बोलोगे, यार पागल है ये। लेकिन ये बात ये बताती है क्या वो पागल थे, बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो भक्ति में इतने तन्मय हो गए थे कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक बढ़िया मंदिर बनाने के अंदर लगा। तो ऐसे ही यदि आपको ह्यूमन बिहेवियर समझें, ह्यूमन बिहेवियर के बाद अपनी पर्सनलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप पागल बन जाइए, और जब आप पर्सनलिटी बन जाएगी तो वही आपके घर के परिवार के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपके नगर के लोग, आपके देश के लोग सब आपको याद करेंगे, जैसा हमारे यहाँ वो सिल्वर मेडल लेकर के आएंगे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो हमें मोटिवेट करती है कि हम कैसे गोल को सेट करें और उसको प्राप्त करें। मैं तांडेकर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, पूरे महाविद्यालय परिवार का जिनने मुझे अवसर दिया, और बहुत ही एकेडमिक एक्टिविटीज करते जा रहे हैं, और हमेशा अपने नेशनल सेमिनार के अंदर किसी वाइस चांसलर को बुलाते हैं। सर का मेरे पास फोन आया था आपके वाइस चांसलर को हम कल बुलाना चाहते हैं, तो कल वो उनको लेकर के आ रहे हैं। मतलब प्रोग्राम करना और प्रोग्राम को पूरी गरिमा के साथ करना, ये व्यक्तित्व है। तो ये पूरे महाविद्यालय परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं मुझे अवसर दिया इस विषय को पढ़ने का, इसको समझने का, और जितना पढ़ सका जितना समझ सका वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ज़्यादा शेर व शायरी मुझे आती नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा और जो मैंने बोला उसके आधार पर मुझे कई दो लाइनें याद आ गईं जिनको मैंने नोट किया है, और मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाहूँगा। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ करके ये, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियां जीत पर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर भारत सर, धन्यवाद। सर माइक ऑफ है, हाँ ये कौन सा माइक चल रहा है। सर आज के विषय पर बहुत ही सुंदर और सारगर्भित और स्पष्ट शब्दों में आपने अपने विचारों को व्यक्त किया। ऐसा लग रहा था कि आज से 30-40 साल पहले हम कक्षा में बैठकर, और अनिल जैन साहब को भी याद होगा कि ऐसे बैठकर हम लोग जो हमारे गुरुदेव उनको सुना करते थे, तो आज वो छात्र जीवन भी आपने याद दिलाया, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वास्तविकता को स्पष्ट किया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ह्यूमन बिहेवियर ये दोनों के बहुत डीप में बहुत गहराइयों को छूते हुए आपने विचारों को व्यक्त किया सर। और मैं हम तो आपकी किताबों में ही देखकर भारत सर को पढ़ाया करते थे, लेकिन कभी प्रत्यक्ष रूप से आपके दीदार नहीं हुए। मैंने 3-4 साल पहले प्रयास किया था, हमारे छोटे भाई डॉक्टर अशोक तांडेकर जुन्नारदेव में वो हैं प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया, तो कोशिश की कि सर को मैं आमंत्रित करूं, पर आपकी व्यस्तता के कारण वो एक सुखद अवसर हम लोगों ने गंवा दिया सर। पर देर ही सही, आपका सक्षम और कुशल नेतृत्व हमको मिला और हम और नई ऊर्जा और नए इनोवेशन के साथ, नए तकनीकी विधियों के साथ एकेडमिक क्षेत्र में आपके मार्गदर्शन में हम और हमारे प्राध्यापक निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। पूरे महाविद्यालय परिवार का, डोंगरगढ़ का जनभागीदारी समिति की ओर से एक सचिव होने के
नाते मैं बहुत आदर पूर्वक आपको निमंत्रण दूंगा सर कि ये माँ बम्लेश्वरी की पवित्र नगरी है, बहुत बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण है यहाँ, जरूर आप यहाँ आए दर्शन करें और महाकाल जी की कृपा हम पर हो सर तो हम भी वहाँ आकर उनके साथ साथ आपका भी दर्शन करेंगे। ये निश्चित है कि मैंने आपसे निवेदन किया, अनायास ही निवेदन किया था कि हमें बड़ों का, शिक्षाविदों का, प्रबुद्ध जीवियों का आशीर्वाद मिले और आपने बहुत ही कुशलता के साथ, सहजता के साथ महाविद्यालय के निवेदन को अपना मानते हुए माननीय कुलपति जी से वार्ता करवाई और आप माननीय कुलपति जी से बात करने पर हमने इतना अपने आप को सहज महसूस किया कि इतने बड़े ओहदे पर व्यक्ति बैठा है लेकिन शिक्षा के प्रति, छात्रों के प्रति और प्राध्यापकों के प्रति उनके मन और अंतर्मन में जो श्रद्धा है वो देखने को मिली। माननीय कुलपति जी ने सहर्ष ही निवेदन को स्वीकार कर समय दिया, इसमें आपका बहुत योगदान रहा डॉक्टर भारल सर, आपको धन्यवाद। और आज के प्रेरक उद्बोधन के लिए हम निश्चित ही बहुत ही आत्मीयता के साथ पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद आपका, नेतृत्व हमको मिलता रहे, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम दो मिनट बोलना चाहता हूँ सर ने। जी सर, जी सर, जी जी सर। ये सर की सहजता है, सरलता है। और सर मैं पिछली बार भी आना चाहता था लेकिन रिटर्न जर्नी नहीं हो पा रही थी क्योंकि डिस्टेंस काफी था, इसलिए आना नहीं हुआ। ये मेरा दुर्भाग्य था सर, उस वक्त मैं नहीं आ पाया, लेकिन उम्मीद है कि माँ बगुला जो आपने बताया वहाँ का, और मैं महाकाल का प्रसाद लेकर के आऊंगा सर आपके पास जब भी आना हुआ तो। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने सारगर्भित व्याख्यान में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें बहुत ही सरलता से विषय की विशिष्टता को समझाया सर। आपने बताया व्यक्तियों में यदि धैर्य है तो किस प्रकार ना केवल उनका व्यक्तित्व का विकास होता है बल्कि वे अपने जीवन में भी सफल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनिल जैन सर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया आपके बारे में और पहली बार मैंने आपको सुना, हम सब अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सर। और साथ ही मैं प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देती हूँ कि आप जैसे महानुभावों को हमको सुनने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर अनिल जैन सर के परिचय के लिए मैं प्रतिभा सिंह मैडम को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू प्रतिभा मैडम। धन्यवाद मैडम। आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम। आज के नेशनल वेबिनार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अब मैं डॉक्टर अनिल जैन सर, प्रोफेसर, हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज छिंदवाड़ा एमपी के व्याख्यान से पूर्व मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। सर का शिक्षण के क्षेत्र में 37 वर्षों का अनुभव रहा है। सर का अब तक 35 पेपर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रकाशित हुए हैं। सर मार्केटिंग विषय के विषय विशेषज्ञ भी हैं। सर कॉस्ट अकाउंट विषय के को राइटर हैं। सर की और भी उपलब्धियां हैं परंतु समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैं ससम्मान सर को अपने व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन सर। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में
परम श्रद्धे आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय डॉक्टर टांडेकर साहब, प्राचार्य डॉक्टर भारिल साहब, डॉक्टर रेवती मैडम, ज्योति मैडम, और आप सभी जो इस सेमिनार को कंडक्ट कर रहे हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। समय सीमा के आधार पर मैं सीधा अपने व्याख्यान पर आता हूं। मानव व्यवहार एवं व्यक्तित्व विकास। मेरे परम मित्र डॉक्टर भारिल साहब ने बड़ी सहजता से मानव व्यवहार और व्यक्तित्व विकास के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मेरे इस व्याख्यान के अंदर में मेरा फोकस है विशेष रूप से हमारे युवा पीढ़ी, युवा तरुणाई और ऐसे लोग जो जॉब में आ चुके हैं लेकिन अभी नए नए हैं। अनुभव के आधार पर मैं अपना वक्तव्य पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मानव व्यवहार ह्यूमन बिहेवियर के लिए मैं शुरू करता हूं। पर्सनालिटी शब्द से तो हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन वास्तविक व्यक्तित्व रियल पर्सनालिटी किसे कहते हैं इसके बारे में ज्यादातर व्यक्ति अनजान है। मैं ज्यादातर व्यक्तियों में हमारे युवा तरुणाई, हमारे छात्र और जो नए लोग अभी अभी किसी जॉब से जुड़े हुए हैं या अभी जॉब करने की पहल कर रहे हैं, मैं उनके विषय में ज्यादा फोकस डालूंगा। अक्सर यही देखने में आता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर लोग केवल बाहरी रंग रूप, शारीरिक बनावट, परिधान और दिखावटी औपचारिक व्यवहार पर अधिक जोर देते हैं। हम यह नहीं जानते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के संबंध में हमारी मूल चेतना या हमारे अहम से होता है। व्यक्तित्व की परिभाषा के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी में मैंने अध्ययन किया है, उसमें लिखा हुआ है कि आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वही आपका व्यक्तित्व है, और वह आपके आचरण, संवेदनशीलता तथा विचारों से व्यक्त होता है। अक्सर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जब किसी से बात करते हैं तो तुरंत कुछ समय के पश्चात में उस व्यक्ति का आकलन अपने अनुभव के आधार पर कर देते हैं। अर्थवेद में भी कुछ बातें मानव व्यवहार और व्यक्तित्व विकास के लिए कही गई हैं कि आपका शरीर, मन, विचार, धर्म, चरित्र और कर्म आचरण शक्ति से संपन्न हो, ईश्वर करे ज्ञान का देवता आपको शांति प्रदान करें और ईश्वर का देवता आपको पूर्ण बनाए। ये हमारे अर्थवेद के अंदर में मानव व्यवहार और व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ बातें कही गई है। एक और वक्तव्य है पर्सनालिटी एक्सपर्ट के अनुसार कि टोटल पर्सनालिटी उसे कहा जाता है जिसमें सेल्फ एबिलिटी, आत्म योग्यता, उत्पादकता, उत्कृष्टता, एक्सीलेंसी, श्रेष्ठता, नोबिलिटी, मस्तिष्क का खुलापन और एक हाई कैरेक्टर के सारे गुण उसमें अगर मौजूद होते हैं। अक्सर अगर हम आईएएस, आईपीएस या उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को देखते हैं तो वहां पर हमें व्यक्तित्व विकास की झलक अनेक बार आपके और हमारे जब आमना सामना हुआ है तो वहां हमें देखने को मिलती है। पर्सनालिटी उस घर की तरह है जिसकी नींव उन्नत चिंतन और कोमल भावनाओं पर टिकी है। जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व में निखार होगा। उन्नत चिंतन व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाता है, कोमल भावनाएं और संवेदनाएं इसे भावपूर्ण बनाती है। हर आदमी गुणों से ही गुणवान बनता है। अच्छे गुणों का विकास अच्छे विचारों को जीवन में उतारने से होता है। चरित्र निर्माण सच्ची लोक सेवा से ही संभव है। अच्छा व्यवहार व्यक्तित्व की जान है।
और सब चीजें तो पर्सनालिटी के ढांचे को खड़ा ही करती है, लेकिन इस ढांचे में अगर कोई जान फूकता है तो वो है आपका व्यवहार। भारिल साहब ने मानव व्यवहार के संदर्भ में बहुत सारे पारिवारिक उदाहरण, संस्था के संदर्भ के अधीनस्थ या उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के व्यवहार का उदाहरण और आत्मसात के बहुत सारे उदाहरण अभी हमें प्रस्तुत किए हैं, जो निश्चित रूप से हमारे लिए अनुकरणीय है या जिन लोगों के मानस पटल पर वो बातें हट गई हैं उनके लिए अनुकरणीय उदाहरण थे। अब इसीलिए अगर हम अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में आमूल परिवर्तन लाएं। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक हमारी जो व्यक्तित्व का विकास है वह अन्य व्यक्तियों के सामने खरा नहीं उतर पाएगा। भारतीय परंपरा है, प्राचीन वेद और पुराणों से, उसमें भी व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ लाइन हमें दिखाई देती है कि प्राचीन ऋषि इसी प्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा मन में सोचता है वैसी ही उसकी वाणी से उद्बोधन निकलता है या वैसी ही वाणी से वह अपनी कार्य प्रणाली को संयोजित करता है। सफलता यानी कि सक्सेस एक ऐसा शब्द है हर कोई चाहता है, लेकिन उसे कैसे पाया जाए यह हमारी युवा पीढ़ी में से बहुत कम युवा जानते हैं। दरअसल जो लोग सक्सेस चाहते हैं उन्हें यह पता नहीं होता है कि पर्सनालिटी के विकास में ही ऐसी बहुत सारी खूबियां छुपी होती हैं जिन्हें सुधार लेने मात्र से ही हम कई सारी असफलताओं और विफलताओं को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। व्यक्तित्व विकास में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारे गुरु और जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की है, जिनसे मैं और डॉक्टर टांडेकर साहब ने शिक्षा ग्रहण की है, सम्मानी डॉक्टर यूसी जैन साहब से जब व्यक्तित्व विकास के बारे में चर्चा हुई तो पीएससी का उन्होंने अपना अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किया कि वो ऐसे छात्रों का चयन कई बार हो जाता है जो पीएससी के इंटरव्यू में आते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन उनका बहुत गड़बड़ रहता है तो वो उनको अपनी हार स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन जब पीएससी की परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू के लिए वो ऐसे छात्र या छात्र आते हैं जो अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से देते हैं और साथ ही उनके कपड़ों का आवरण बहुत भड़कीले किस्म का नहीं होता है तो निश्चित रूप से लाइट कलर के जब वो कपड़े पहन के आते हैं, परिधान पहनकर आते हैं और 7-8 लोगों के बीच में जब वो बैठते हैं तो असहज हो जाते हैं। अब जब क्वेश्चन किया जाता है तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो धैर्यपूर्वक अपनी बात को कहता है निश्चित रूप से पीएससी में अनेक चयनित उनके माध्यम से, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे डीएसपी हो या ऐसे भी हमारे जो महाविद्यालय के अंदर में जिन्होंने परीक्षा पास की है उनका भी उन्होंने इंटरव्यू लिया हुआ है। तो यह स्थिति आती है व्यक्तित्व विकास में, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है शिक्षा। व्यक्तित्व विकास में शिक्षा व्यक्ति विशेष के लिए अपने सपनों की जमीन तलाशने का जरिया है। प्रेम, त्याग, सद्भावना, विनम्रता, धैर्य एवं सहानुभूति व्यक्तित्व के ऐसे अद्वितीय दैवीय गुण हैं जिनकी नींव पर आत्मोत्कर्ष का महत्व खड़ा होता है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाने की कला गुरु ही सिखा सकता है। युवा मूल्य आधारित पश्चिमी शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, वैभव की धरोहर से स्वयं को वंचित ना करें बल्कि इसे अपने आचरण की आधारशिला बनाएं। व्यक्तित्व विकास में हमारा युवा
स्वयं के प्रति ईमानदार, कमजोरियों को स्वीकार करना, क्षमा करना व सुधरने की मोहलत मांगना जैसे गुण सीखे। संस्कारों के बिना शिक्षा व सुविधाएं पतन का कारण निश्चित रूप से बनती है और अनेक उदाहरण हमने अपने शैक्षणिक जीवन काल में देखा है। श्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, यह बात एक आत्मसात के रूप में भी हमने अपने शिक्षा जगत के कार्यकाल में देखी है। अनेक अनुकरणीय उदाहरण है। आज के व्याख्यान में मेरे अपने बहुत सारे शिष्य जुड़े हुए हैं, जिसमें डॉक्टर आलोक यादव जी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्राचार्य के पद पर बैठे हुए हैं। छात्र जीवन में जो थोड़ा सा मोटिवेशन हमने दिया है, तो एक अच्छी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका एक ऐसा बैच उस समय के अपने गुरुओं की वाणी को शायद आत्मसात कर चुका था। ये एक अनुकरणीय उदाहरण है। डॉक्टर आलोक यादव बैठे हुए हैं कि इनका पूरी क्लास, डॉक्टर टांडेकर साहब मैं बताना चाहूंगा सर, आप कहाँ हैं सर अभी? यादव सर कहाँ हैं अभी? छिंदवाड़ा पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल हैं और सामने बैठे हुए हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं ये उदाहरण व्यक्तित्व विकास के रूप में बताना चाहूंगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं होता है कि पूरी क्लास प्रथम श्रेणी में प्राप्त हो, प्रथम श्रेणी के अंक लेकर निकले, लेकिन इनकी बैच एक ऐसा है कि प्रथम श्रेणी ही नहीं, सर डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में 10 में से 6 मेरिट पोजीशन एक कक्षा के छात्र और छात्राओं की थी। ये गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का एक 92-93 का उदाहरण है। डॉक्टर आलोक जी दिख गए और शायद ये उदाहरण मुझे याद आ गया। और ये भी चूंकि यूनिवर्सिटी मेरिट पोजीशन में रहे हैं और इन्होंने इस बात को, जैसे ही मेरिट पोजीशन इनकी बनी, इन्होंने कहा कि सर अब वो दूरी नहीं है कि जब मैं किसी ना किसी प्रतिस्पर्धा में बैठकर और उसमें पास ना हूं, और इन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। कुछ और भी उदाहरण मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ये काफी पुराना उदाहरण, चूंकि सामने डॉक्टर आलोक यादव जी बैठे हुए हैं तो अचानक मुझे याद आ गया इनके छात्र जीवन का, इनके छात्र जीवन के थोड़ा सा राजनीतिक परिदृश्य का, विभाग के अंदर में थोड़ा सा नटखटपन का। लेकिन जब समझदारी कहते हैं जब आती है तो आदमी कुछ कर दिखाता है। और डॉक्टर आलोक यादव ना सिर्फ प्राचार्य हैं, इनकी पीएचडी भी हमारे आदरणीय गुरु डॉक्टर यूसी जैन साहब के अंडर में है और इनकी किताब भी पॉलिटेक्निक में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में चलती है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि युवा अपने अंदर छिपी ऊर्जा को के ज्वालामुखी से अपने कैरियर का नवनिर्माण कर सकते हैं। ये जब तक प्रेरणा नहीं मिलेगी, जब तक हम किसी को नहीं देखेंगे, जब तक हमारा कोई आइडियल पर्सनालिटी नहीं होगा, तब तक हमारी युवा पीढ़ी इसमें आगे नहीं बढ़ पाती है। वे ऐसे सपने देखें जो उन्हें सोने ना दें। सफलता एक विशेष नजरिए व कार्य योजना के साथ ही प्राप्त की जाती है। अगर हमारा युवा वर्ग सफल होने की योजना बनाने में कहीं असफल होते हैं तो असफल होने की योजना ही बनाते हैं। जबकि अभी मैं कुछ पीएससी में चयनित आईपीएस अधिकारी, कुछ आईएएस के बारे में अध्ययन कर रहा था, तो उनका जो साक्षात्कार था कि हम पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं और तीसरी बार भी हमारा रिजल्ट गड़बड़ होने के बाद हमने चौथी पारी में आईपीएस की, चौथी पारी में आईएएस की सफलता हमने प्राप्त की है। तो ये अनुकरणीय उदाहरण हमारे जो युवा पीढ़ी है या जो किसी मुकाम पर पहुंच चुके हैं उनको देखकर ही एक प्रेरणा मिलती है। असफल होने की योजना अगर बनाते हैं लेकिन स्वयं के अंदर छिपी हुई शक्ति और आत्मविश्वास को जगाकर जुनून, त्याग व लगन से चुनौतियों के पहाड़ को काटा जा सकता है, यानी सफलता अर्जित की जा सकती है। कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां मुझे याद आ गई है, मैंने अपने उद्बोधन में उनको भी समाहित किया है कि जहां कर्मों की ऊंचाई बे इंतहा होती है वहां नसीबों को झुकना पड़ता है। एक और टीवी के, चूंकि मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हूं,
और मार्केटिंग मेरा सब्जेक्ट है। जीत करो, खुद को बदलो, और डर के आगे जीत है। अगर हमारे इस युवा पीढ़ी में ये छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान है तो वो अपनी असफलता को सफलता में निश्चित रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। सफलता के लिए समस्याओं की ऊंचाई से हमें ऊपर उठना पड़ता है, हर जीत की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। सफलता अगर एक आदत है जिसके लिए लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है, युवाओं को हदों के उस पार जाने और जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। जब असीमित कार्य होंगे तो असीमित परिणाम निश्चित रूप से निकलेंगे। युवा उम्र से नहीं बल्कि अपने जज्बे से बनता है। एक पौराणिक बात टीवी सीरियल में देखकर मुझे याद आ गई, उसको भी मैंने अपने उद्बोधन में जोड़ा है कि हमारा युवा चंद्रगुप्त है लेकिन जिसे चाणक्य जैसे गुरु का सानिध्य और साथ मिला है वो निश्चित रूप से युवा तराश कर आगे के मुकाम पर पहुंचा है। अब मैंने कुछ अपने उद्बोधन के अंदर में छोटे छोटे पॉइंट्स को भी जोड़ा है कि कैसे हमारा युवा अपने व्यक्तित्व विकास और आत्म सम्मान, सेल्फ कॉन्सेप्ट और शारीरिक छवि, बॉडी इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे टिप्स या बिंदु के आधार पर मैं अपनी बात उनके समक्ष रख रहा हूं। पहले तो है स्वस्थ शारीरिक छवि, कि अगर हमारे युवा जल्दी उठने, प्राणायाम, व्यायाम, मॉर्निंग वॉक में थोड़ा सा समय अगर देता है तो उसको जो एनर्जी सुबह प्राप्त होती है वह उसके बुद्धि विकास में निश्चित रूप से आगे कारगर सिद्ध हो सकती है। एक अच्छे गुरु या अच्छे मार्गदर्शक, आवश्यक नहीं है कि गुरु एक ही हो, गुरु दो भी हो सकते हैं और गुरु दस भी हो सकते हैं, कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और वो गुरु का अगर मार्गदर्शन मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है तो हमारा युवा पीढ़ी के व्यक्तित्व विकास में निश्चित रूप से आमूल परिवर्तन होगा। एक और बात जो मैंने अभी तक अपने जीवन में समझी है कि टीका टिप्पणी ना करें, इग्नोर कमेंट्स, क्योंकि एक मानव स्वभाव होता है अगर हम टीका टिप्पणी से हटेंगे तो सुनिश्चित रूप से हम बहुत सारी जो ऊर्जा है उसको अपन बचा के रख सकते हैं। स्वास्थ्य वर्धक स्वस्थ आदतें, हेल्दी हैबिट्स, संतुलित आहार, अर्थात रोज रोज एक हमारे युवा पीढ़ी को व्यक्तित्व विकास के लिए हैवी खाना और देर रात में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये ऊंचाइयों पर जाने पर कहीं ना कहीं बाधक होती है या इसमें बाधा पैदा होती है। एक और बात है कि मानव स्वभाव है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हमारे परिदृश्य में आते हैं कि जो आशावादी और सकारात्मक नजरिए में परिपूर्ण अगर नहीं उतरते हैं तो नकारात्मक व्यक्तियों से थोड़ा सा वो अपनी दूरी बनाकर रखें। एक और टिप्स है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं या हमारे संस्था में आते हैं उनके प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए, क्योंकि किसी कारण से उनमें कुछ कमजोरियां या कमियां भगवान ने छोड़ दी है। एक और टिप्स है कि जो युवा वर्ग है उन्हें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, सेट गोल बहुत आवश्यक है। और अंतिम बात आती है कि हम किसी भी प्रकार की कोई तैयारी कर रहे हैं तो पेशेवर से उनको मदद लेना चाहिए, टेक प्रोफेशनल हेल्प, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। कोचिंग जाना कोई खराबी नहीं है, जिस तरह हम एक डॉक्टर के यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जाते हैं और परामर्श लेते हैं, तो पेशेवर के पास में भी
अगर हमारा युवा जाता है, उनके अफोर्डेबल पोजीशन है, उनके पेरेंट्स सहयोग करते हैं, तो अगर वो कोई फीस लेते हैं तो उनकी फीस को लेकर हम यह स्थिति को समझ सकते हैं या आगे बढ़ने में वो सहायक हो सकते हैं। तो ये कुछ बिंदुवार मैंने तैयार किया था अध्ययन के दौरान में। अब मैं कुछ और छोटी चर्चा है उसके बारे में चर्चा करूंगा कि हर इंसान एक पत्थर की तरह है। विशेष रूप से मैं युवा वर्ग या जो महाविद्यालय में अध्ययन करना है या जो रिसर्च करना है उनके ऊपर फोकस करना चाहता हूं, जिनकी नौकरी अधिक हो चुकी है या जो जैसे सामने डॉक्टर जैन साहब बैठे हुए हैं आगरा से, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या हम और ऐसे कुछ लोग व्यक्ति हैं बंद कर दो कि जो इस मुकाम पर आ चुके हैं कि अब नौकरी बचे या ना बचे उनके लिए नहीं है, लेकिन हमारी युवा तरणाई के लिए है कि हर इंसान एक पत्थर की तरह है जिसमें एक सुंदर मूर्ति छुपी होती है जिसे सिर्फ एक अच्छे शिल्पी की आंख देख पाती है। यह शिल्पी उसे तराश कर एक सुंदर मूर्ति में बदल सकता है। इस मूर्तिकार में आपके माता पिता, शिक्षक और समाज के आइडियल पर्सन, जिनको देखकर हम प्रभावित होते हैं, जिनको देखकर हम आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं, वो सम्मिलित हो सकते हैं। वो आइकॉन हमारा कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, वो आइकॉन हमारा कोई फिल्म इंडस्ट्री का चहेता फिल्म एक्टर हो सकता है, वो हमारे समाज के सामाजिक काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, प्रशासनिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार सवार कर खूबसूरत पर्सनालिटी, इन माध्यमों से हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक दो छोटे उदाहरण युवा तरणाई को प्रेरणा के रूप में देना चाहूंगा जो मेरे अपनी आंखों के सामने से, मेरे अपने हाथों के नीचे से गुजरे हैं कि कैसे व्यक्तित्व विकास होता है। मेरा एक और प्रिय शिष्य था, वो प्रिय शिष्य बाद में बना, एक वाक्य रहा कि कॉलेज में उसने कोई एक ऐसी हरकत कर दी कि जिसके कारण हमने उसको 16 दिन के लिए, मैंने और डॉक्टर पांडे साहब मेरे जो सीनियर हैं, हम लोगों ने 16 दिन के लिए प्राचार्य महोदय से लिखाकर उनके घर में एक पत्र प्रेषण किया कि ये 16 दिन महाविद्यालय से इसको डिवार किया जाता है। काफी पुरानी घटना है। जब उनके पिताजी आए खान साहब, तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान के चक्षु खुले कि कहीं ये लड़का खान साहब का बेटा तो नहीं, लेकिन मैं श्योर नहीं था। खान साहब आए तो मैंने कहा सर रास्ते में ही अगर कोई बातचीत थी तो मुझे बता देते, मैं घर पर आ जाता। तो उन्होंने कहा जैन साहब कभी कभी औलादों के चक्कर में पिता को भी नतमस्तक होना पड़ता है। तो वो पिक्चर मुझे क्लियर हो गई कि जो 16 दिन के लिए एक बच्चे को डिवार किया था शायद खान साहब का दूसरा बेटा है। बात आई, उन्होंने क्षमा याचना के पत्र दिए, तो मुझे लगा कि अरे ये शायद खान साहब से बड़ी करीबी हमारी नजदीकियां हैं, हमसे वरिष्ठ है, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, और ये एक कैसा अनोखा हमारे से अनर्थ हो गया। बेटा जब पिक्चर में डिपार्टमेंट में आया तो उसने हमें प्रॉमिस किया कि सर मुझे कुछ कर दिखाना है और मैं जीवन में अब कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे कि क्षमा याचना मेरे पेरेंट्स को मिले। मैंने कहा देखते हैं। उसको मैंने तराशा। सबसे पहले तो मैंने उसकी 3 से 4 बार परीक्षा ली कि भाई तू डिपार्टमेंट में 7:45 बजे अगर आएगा तो मैं समझूंगा कि तेरे को कॉलेज अटेंड करना है। लगातार वो करीब 15 दिन मेरे आने से पहले ही डिपार्टमेंट में आ चुका होता था। मैंने कहा ठीक है, तुम कुछ करना चाहते हो तो मैं तुमको सारी किताब दूंगा, बाजार से एक भी नहीं खरीदना पड़ेगा। वो रेगुलर कॉलेज आने लगा, मैंने सारी किताबें उसको दी। फिर मैंने कहा अगर कुछ करना है तो मेरे घर पर आओ। घर पर भी मैंने जो टाइम दिया उससे 15 मिनट पहले आया। लगभग 2 साल मेरे घर में वो रोज 3:30 बजे से 8:15 बजे तक बैठकर उसने पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी में उसने मेरिट पोजीशन होल्ड की। और मैं युवा तरणाई को बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा उस बालक का उदाहरण देता हूँ। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो अजमल एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो दुबई बेस्ड है, उस कंपनी में वो मैन की पर्सनालिटी है। और मेरे
उस डांट का, उस लेटर का असर यह पड़ा कि वो सीधा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है। आज उसने लगभग, वो कहावत कही जाती कि गुरुजी रह गए गुड़ और चेले बन गए शक्कर, लगभग 85 कंट्री अजमल ब्रांड के माध्यम से वो घूम चुका है। हर सप्ताह उसका मेरे पास फोन आता है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मेरा मुझे फोन आया कि सर मैं बहुत जल्दी छिंदवाड़ा आ रहा हूँ, चूंकि उनका पैतृक निवास छिंदवाड़ा है। और ये केवल एक मोटिवेशन से जो व्यक्तित्व विकास हुआ है, और मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहुत बड़े मतलब बहुत संसाधन यहाँ पर नहीं है, संसाधन की श्रेणी में अभी जुड़ा हुआ है, लेकिन बड़े मैं गौरवान्वित होकर कह सकता हूँ कि मेरे वाणिज्य विभाग से लगभग 35 ऐसे छात्र हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ऐसे हम छात्र हैं जिसमें डॉक्टर टांडेकर साहब भी है कि उस महाविद्यालय की छत्र छाया से हम लोग पढ़े हैं और अलग अलग ऊंचाइयों पर हैं। तो चलिए अब अंतिम वक्तव्य मेरा एक 4 से 5 मिनट का और बचा हुआ है कि एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति खुद तो बेहतर रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के भीतर या अंदर एक ऐसा मैजिक अट्रैक्शन होता है जो अनजाने में ही दूसरों को अपनी ओर खींचता रहता है। अपने ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व के कारण ही स्वामी विवेकानंद जी इतने यशस्वी बने कि पूरी दुनिया उनका अनुसरण आज भी कर रही है। वीर शिवाजी अपने वीरता के लिए, चंद्रशेखर आजाद भारत को आजाद कराने के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आज़ादी की लहर को चलाने के लिए, इन सभी सम्मानी लोगों में जन्मजात प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व था। मैं राष्ट्र के संविधान निर्माता सम्मानी बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी जिक्र इस उद्बोधन में करूँगा, जिनके व्यक्तित्व और योग्यता को देखकर, उन्हें पढ़कर और उनकी बातें को सुनकर अनेक पिछड़े वर्ग, गरीब वर्ग और दलित वर्ग के युवाओं ने प्रेरणा ली और आज सफलता के माध्यम से अच्छे अच्छे पदों पर, अच्छे अच्छे मुकाम पर वो पहुंचे हुए हैं। इसी कड़ी में राष्ट्र के संविधान राष्ट्र के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, और इनकी प्रतिभा कौशल व्यक्तित्व विकास को देखकर हमारी युवा पीढ़ी नहीं भूल सकती है, और इनके चरितार्थ को हमने भी अपने आदर्श मानते हुए अपने अंदर में समाहित किए हैं। अंतिम एक महत्वपूर्ण बात आती है कि व्यक्तित्व विकास में एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अच्छे संवाद की होती है और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की भी बनी हुई है। अगर हमारे संवाद करने की क्षमता, हमारे संप्रेषण करने की क्षमता अगर अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से हम अनेक लोगों के सामने खड़े नहीं उतर सकते हैं। संप्रेषण कौशल जीवन को आकार देने की कला होती है। लफ्जों में जायका हेतु उन्हें चक्कर परोसना चाहिए, यह असाधारण शख्सियत निर्माण का एक सूत्र होती है। अंत में मैं यही कहूँगा कि संवाद के पुल से समस्याओं की नदी को पार किया जा सकता है, और अंतिम रूप में मैं यह कहना चाहूँगा कि व्यक्तित्व विकास के अंदर में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम प्रस्तुत अगर करें और आत्मसात अगर हमारी युवा तरुणाई, हमारे से प्रारंभ होने वाली पौध अगर उसको करती है, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में एक अलग मुकाम हो सकता है। उनके जीवन के पड़ाव में कई ऐसी बातें हो सकती है कि जो ऊंचाइयों पर पहुंचाने में कारगत होगी। मैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय मानव व्यवहार और व्यक्तित्व विकास में जो मुझे डॉक्टर टांडेकर साहब मैडम जी ने अवसर दिया, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा। चूंकि डॉक्टर टांडेकर साहब से मेरा नाता छात्र जीवन से है, जब हम लोग
महाविद्यालय में अध्ययन किया करते थे और कुछ कर दिखाने की चाहत में हम लोग आपस में चर्चाएं करते थे। और व्यक्तित्व विकास में मैं हमारे छात्र राजनीति हमारी संस्था से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पद पर विराजमान मैडम को आज निश्चित रूप से याद करना चाहूँगा, सुश्री अनसुईया उइके जी जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं, उनके साथ हम लोगों ने छात्र राजनीति की है और शुरू से लेकर राज्यपाल के पद पर बैठने तक मैंने और डॉक्टर टांडेकर जी ने उनको बहुत करीब से देखा है और हम एक अनुकरणीय उदाहरण देते हैं कि जिनके साथ में हम लोगों ने छात्र राजनीति की, जिनके साथ में हमने महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया, वो आज इस मुकाम पर हैं और व्यक्तित्व विकास का एक जीता जागता उदाहरण मैं जितने भी यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उनको बताना चाहूँगा कि बड़े स्ट्रगल करके वो राज्यपाल के मुकाम तक पहुंची हैं। अनेक पदों पर उन्होंने हमारे छिंदवाड़ा शहर को, हमारे मध्य प्रदेश को सुशोभित किया है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जैन सर, आपने छात्र जीवन से लेकर उम्र के इस पड़ाव तक का जिक्र हमारे प्रतिभागियों के बीच में किया। हमसे बड़े भी आशीर्वादक यहाँ जुड़े हुए हैं और जहाँ तक हमारे प्रदेश की यशस्वी राज्यपाल मैडम अनसुईया उइके जी निश्चित ही बहुत सक्षम नेतृत्व की धनी थी। उनके जीवन काल छात्र जीवन से राजनीति की संघर्ष यात्रा को हमने बड़े करीब से देखा है और ये हमें कतई आभास नहीं था कि हम छात्र जो संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं आने वाले 30-40 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में बड़े ओहदे तक पहुंच जाएंगे। आज वो साकार हुआ हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से। मुझे भी अपने जन्मभूमि और मेरे छात्र जीवन के 5 वर्ष मैंने जिस महाविद्यालय में आप सबके समक्ष बहुत ही संघर्ष भरे समय में गुजारा था, 1997 में मुझे अनायास ही उस महाविद्यालय में स्थानांतरण का अवसर मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ की इस माटी का कर्ज था जिसने मुझे यहाँ सींचा संवारा और मुझे इस ओहदे तक पहुँचाया, तो मैंने सोचा कि मुझे इस मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहिए और मैंने अपने परिवार, अपना घर और अपने महाविद्यालय जहाँ मैं अध्ययन किया हूँ, हर व्यक्ति चाहता है कि उसी महाविद्यालय में आकर सेवा दे, वो अवसर को मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन आप सभी की आत्मीयता, आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार और आप सभी बुद्धिजीवियों का जो आशीर्वाद हमें जोड़े हुए रखा है, हम अपने आप को कहीं दूर नहीं मानते हैं। तो ये जीवन का अंतिम पड़ाव, ये सफर ऐसे ही सुखद रास्ते पर चलते हुए गुजर जाएगा, यही अपेक्षा और आशा विश्वास के साथ आज यही कहूँगा कि यूं तो बहुत से आते हैं, लेकिन आप जैसा कोई आया तो आज लगा कि कोई आया है, आज ऐसा लगा कि कोई आया है, अपनापन है, अंतर मन से जुड़ी हुई ये आस्था की कड़ी जुड़ी रहेगी भारत सर तक और भारत सर के माध्यम से देश ही नहीं विदेश तक के लोगों तक हम पहुंचना चाहेंगे। सर जैन साहब, आप तो
वैसे भी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। आपके वक्तव्य को हमारे विद्यार्थियों ने सुना, समझा और ये अपेक्षा की कि निश्चित ही सर सिर्फ छिंदवाड़ा या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, सर का व्यक्तित्व एक कलाकार के रूप में भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, जिसने अपनी प्रतिभा को फिल्म नगरियों में भी प्रतिस्थापित किया। वो कुछ स्मरण संस्मरण भी छात्र चाहते थे कि आपका जो विलक्षण प्रतिभा है वो कैसे विकसित हुई, एक कला मन से कैसे बाहर निकली। बहुत सारे लोगों की कलाएं हैं वो निकल नहीं पा रही, तो बहुत संक्षिप्त इस पर चाहूंगा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि 2 बजे से हमारा एक वेबिनार है, माननीय कुलपति जी द्रुप विश्वविद्यालय की जुड़ी है, तो छात्र चाहते हैं कि सर वो थोड़ा सा स्मरण आप जरूर सुनाए। चलिए डॉक्टर टांडेकर साहब, ये मेरे अंतर्मन की बात आपने कह दी है। वो तो कहा जाता है कि दुखती रख पर अगर हाथ रख दिया जाए तो अंतर आत्मा से कुछ ना कुछ बाहर निकलता है। एक्चुअल में मेरा बचपन 100 मीटर की दूरी पर थिएटर से शुरू हुआ, क्योंकि मेरा घर और पाटनी टाकीज की दूरी कुल 100 मीटर भी नहीं है। मैंने बचपन से पोस्टर देखा है और जब मैं शायद 5-6 वर्ष का हूँगा तब से मैंने पोस्टर देख देख कर बड़ा हुआ। तो मेरे मन के अंदर में जिज्ञासा थी कि भाई फिल्म एक्टर कैसे होते हैं। उस समय बात कर रहा हूँ मैं लगभग 70s के आसपास की, 1970 के आसपास की, जब थोड़ी सी समझ आ गई और ये पोस्टर क्या होते हैं। तो 1970 से लगभग मैंने 1990 तक पोस्टर देखे हैं। पहले दिन पहला शो कॉलेज से बंक मारकर मैंने फिल्म देखी है और मेरा ऐसा पूरा जीवन रहा है कि मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्योंकि उस समय 9 से 12 होती थी, तो मैं बजाय कॉलेज जाने के या बजाय स्कूल जाने के मैं थिएटर के अंदर में पिक्चर देखता था। और पिक्चर देखने के बाद मैं कॉलेज, चूंकि 12 बजे खत्म हो जाता था, तो मैं वापस घर आ जाता था कि मैंने पूरे पीरियड अटेंड कर लिए। जबकि स्कूल से भी मैंने 12 बजे से 3 बजे के बीच में फिल्में देखी हैं। और बाद के जो पीरियड होते थे, चूंकि उस समय हमारा एक लंच ब्रेक होता था और लंच ब्रेक के बाद वाले पीरियड में पूरी शिद्दत से अटेंड करता था, लेकिन मैंने पढ़ाई के दौरान में कभी भी पिक्चर नहीं देखी। आपको ताजुब होगा डॉक्टर साहब कि जब परीक्षा होती थी तो परीक्षा के 2 महीने से लेकर परीक्षा खत्म होने तक मैं लगभग 16 घंटे और 18 घंटे पढ़ाई करता था। अंतर मन में द्वंद था कि फिल्म एक्टर कैसे होते हैं। तो 1992 से मैंने बॉम्बे जाना शुरू किया। शत्रुघ्न सिन्हा जी से मेरी पहले घर के अंदर में मुलाकात हुई। दीपिका जी उस समय रामायण आती थी, सीता जी के घर पे मैं लगभग 3 से 4 बार मिला। उसके बाद मैंने एक पिनाज मशानी नाइट यहाँ पर छिंदवाड़ा में कराई थी और उस चीज को मैंने आगे बढ़ाने के लिए कि अब सब कुछ सेटल हो गया है, लगभग 1997 से मेरे अंतर्मन में आया कि क्यों ना मैं बॉम्बे जाऊं और फिल्म एक्टरों के बीच में रहूं, उनके साथ लंच करूं, उनके साथ डिनर करूं, उनके साथ अभिनय करूं। ये सिलसिला 1997 से शुरू हुआ। 2000 आते आते मैं बम्बई नगरी में पहुंच चुका था। बॉम्बे नगरी में मैंने कुछ जो नामचीन संगीतकार हैं फिल्म में म्यूजिक देते हैं उनसे मेरी मित्रता हुई और उसके बाद से मैंने 2003 से कैमरे का सामना किया। मैंने कुछ वीडियो एल्बम किया, करीब 15 मैंने वीडियो एल्बम से कैसे आई कांटेक्ट कैमरे में हो, कैसे हम कहाँ गलती करते हैं उससे सीखा, जिसको कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल की तैयारी मैंने वीडियो एल्बम से की। उसके बाद मैंने टीवी सीरियल किया, मैंने 4 फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया और ऊपर वाले की कृपा रही है, मैं अमिताभ बच्चन का बड़ा फैन रहा हूँ। 16 फिल्म मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैंने लगभग 225 बार अभी तक 16 फिल्म देख चुकी है। मेरे बगल के थिएटर में लगी हुई थी, ऐसा कोई दिन नहीं गया कि जिस दिन मैंने पूरी फिल्म ना देखी, भले ही मैं उसको पार्ट में देखता था, 4 बार में पूरी फिल्म को मैं देखता था। आखिरी वाला सीन मैं 12:3 की पिक्चर में देखता था और चूंकि मुझे 1990 तक बगल की थिएटर में कोई टिकट नहीं लगती थी, उसके बाद मैंने टिकट लेना शुरू किया है। और 1975 में 16 फिल्म का आवरण मेरे दिल और दिमाग में आया कि क्यों ना अमिताभ बच्चन जी से कैसे मुलाकात हुई। तो KBC का मैं अक्सर प्रोग्राम देखता था और मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि पूरे भारत में से 125 देशों में वो KBC का प्रोग्राम चलता है। भारत अकेले नहीं, विश्व के 125 देशों में KBC का प्रोग्राम दिखता है। और मैंने प्रण किया था कि कुछ भी हो जाए मैं अमिताभ बच्चन जी से मिलूंगा। तो 125 देशों में से कुल वो करीब 20
अति विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाते हैं, मैंने अपनी जगह कहीं ना कहीं से बनाई और उस एपिसोड में मैं पहुंचा दिन भर में, सुबह 10:30 बजे से 5 बजे के बीच में मेरी अमिताभ बच्चन साहब से लगभग 4 से 5 बार मुलाकात हुई और मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ मुलाकात यह है। चूंकि वाणी हम लोगों को भगवान ने दी है बोलने के लिए, उसी के ऊपर हमको तनख्वाह मिलती है, तो मैंने 2 मिनट उनको रोक कर बात की। वो हमसे जब मिलने आए, फोटो सेशन हुआ, मैंने उनको बोला कि मैं कॉलेज के अंदर मैं प्रोफेसर हूँ, और जब चर्चा का सिलसिला हुआ तो 2 मिनट मैंने बोला और लगभग मेरी 17 मिनट की उनसे उस KBC के एपिसोड में मेरी मुलाकात रही है। और बढ़ते हुए चरण में वो सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। अभी हाल ही में मैं जनवरी में आशुतोष राणा जी से फिल्म सिटी में मिला था, एक फिल्म बन रही है बच्चा गैंग, उसके प्रोड्यूसर मेरे काफी क्लोज फ्रेंड है। ऊपर वाले ने चाहा तो जैसे ही ये मौसम के हालात ठीक होंगे उस फिल्म में मैं आशुतोष राणा जी के साथ में आप सभी को थिएटर में या नेटफ्लिक्स की किसी OTT प्लेटफॉर्म के अंदर में मैं दिखाई दूंगा। और मेरा ये एक लक्ष्य है, ये मेरा एक व्यक्तित्व विकास का सीधा जीता जागता उदाहरण है कि मैंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया है कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी मैं अनेक व्यक्तियों से मेरा इंटरेक्शन है। जब मैं फॉरेन घूमने गया तो वहां की शख्सियत लोगों के सामने सामने मेरी टेबल टॉक हुई है। वर्तमान समय में जो सम्मानीय हमारे भारत सरकार के अंदर में केंद्रीय मंत्री है उनसे मेरा सीधा संवाद है, मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो उनसे मेरी मुलाकातें होती है। हमारे देश के बहुत सारे क्रिकेटर है, अजरुद्दीन जी, कपिल देव, जय सूर्या, इन सबसे मेरी करीबी मुलाकात है। हॉकी के पूर्व कप्तान अशोक ध्यानचंद जी, धनराज पिल्ले, इन सबसे मैं मिल चुका हूँ। और भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज है, मेरी गुड बुक में लगभग 500+ ऐसे सेलिब्रिटीज है जिनके साथ में लंच ले चुका हूँ, डिनर ले चुका हूँ, रात को होटलों में रुक चुका हूँ। ये डॉक्टर टांडेकर साहब जी ने जो कहा है मैं संक्षिप्त में आज सभी के सामने मैंने यह बात को जाहिर कर दी, चूंकि एक पर्दे के पीछे की कहानी रही है जो मेरे केवल मित्र बंधुओं को ही पता है। धन्यवाद टांडेकर साहब। अब सर हमने वास्तव में एक कलाकार से वार्तालाप सुनी है, इसके पहले प्रोफेसर का उद्बोधन था, अब ये विद्यार्थियों को निश्चित ही शायद प्रेरित होगा कि वो बॉम्बे का रास्ता अख्तियार करें, लेकिन मैं उन्हें सलाह दूंगा कि पहले वो आपसे मिलेंगे तभी जाएंगे। सर्वप्रथम अपने विषय का ज्ञान लें, अपने अंतर्मन को खंगालें, आत्मविश्वास को पैदा करें, और जब तक हमारा अच्छा संप्रेषण संवाद स्किल्ड नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री काम की नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो भी टीवी सीरियल में संवाद होते हैं वो क्षणिक होते हैं, सेकंड के अंदर में होते हैं जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर भारल सर, जैन सर, डॉक्टर रविंद्र जैन साहब भी जुड़े हैं, नमस्कार सर, इस बहाने आपको भी नमस्कार। यादव सर, मध्य प्रदेश के बहुत सी प्रबुद्ध वर्गों से आज आपने इस माध्यम से मुलाकात का अवसर दिया सर, हम आपके इस प्रेरक और अभिप्रेरक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और अपेक्षा करते हैं सर कि ये शुरुआत है, आगे मंजिल बहुत दूर है, लगातार आपका और हमारा ये सफर चलता रहेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर जैन साहब, आगरा से जुड़े हुए हैं। जय जैन साहब जी, आगरा से सर। जी 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 मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर टांडेकर साहब पुनः धन्यवाद, और डॉक्टर भारेल साहब आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, आशु सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल सुगम सर शब्दों में आपने हमें खासकर युवर्ग किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करे व किस प्रकार का प्रतिक्रिया व्यक्त करे के संबंध में बहुत अच्छे से समझाया। निश्चित ही जितने आदरणीय जन इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वे लाभान्वित होंगे। अब मैं इस कार्यक्रम के वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए हमारे वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक श्रीमती ज्योति मैडम को आमंत्रित करता हूँ। मैम
डॉक्टर भारत, डॉक्टर भारत सर दो मिनट कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य एक मिनट ड्यूटी। डॉक्टर भारत सर, हमारा महाविद्यालय राजनांदगांव जिले के ग्रामीण अंचल क्षेत्र में स्थित है और बहुत पुराना महाविद्यालय। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर गौरी दत्त शर्मा, ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय, विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित डॉक्टर शैलेंद्र कुमार भारत सर, डॉक्टर अनिल जैन सर, आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूं। आपने अपने व्यस्ततम दिनचर्या से के होते हुए भी हमारे महाविद्यालय को समय दिया। आपके द्वारा दी गई जानकारी डॉक्टर भारत सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि डोंगरगढ़ महाविद्यालय 1964 में ओपन हुआ है, उसके बाद 73 में ये अंडरटेकन हुआ और आज वर्तमान में आपके द्वारा दी गई जानकारी से निश्चित ही हमारे विद्यार्थी शोधार्थी एवं समस्त प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के आर चांडेकर सर, तृप्ति मैडम आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने एक इतना अच्छा विषय का चयन किया जो कि पूर्णतः व्यावहारिक एक विषय है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शोधार्थी विद्यार्थी गुरुजनों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी के गरिमामय उपस्थिति में हमारा आज का यह कार्यक्रम संभव हो पाया। विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूंगी हमारे महाविद्यालय के तकनीकी सहायक संदीप सर को। मैं कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य महोदय की अनुमति चाहूंगी आके इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा के लिए। कार्यक्रम तो हमारा अंतिम चरण में पहुंच गया है और अब समापन की औपचारिकताएं भी पूर्ण हो चुकी है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है, पर आवाज नहीं आ रही। माइक बंद करिए ना, उधर मेरा माइक ऑफ है क्या? ज्योति का माइक बंद कराइए। आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। डॉक्टर भारत सर, ये 64 का कॉलेज है और 73 में टेकओवर ओवर हुआ। आज वर्तमान में सर लगभग 2100 विद्यार्थी अध्ययनरत है, कॉमर्स और साइंस तीनों फैकल्टी में लगभग 10 विषयों में स्नातकोत्तर की कक्षाएं। अलग से लिंक बनाया कि नहीं इसने उसका? लगभग 30 प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के पद स्वीकृत हैं, लेकिन 5 नियमित प्राध्यापक ही कार्यरत हैं। और ये बताना चाहूंगा कि 5 शोध निदेशक हैं सर आज वर्तमान में, 5 रिसर्च गाइड हैं। ये रिसर्च सेंटर है कॉमर्स में, लगभग 7-8 विद्यार्थी इसी वर्ष से पीएचडी में रजिस्टर्ड हुए हैं और बाकी 25 के लगभग अतिथि व्याख्याता जो इन सब कार्यक्रमों को अपनी ऊर्जा के साथ संचालित कर रहे हैं। इसलिए कुछ त्रुटियां होना स्वाभाविक है, नए बच्चे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका मनोबल, आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग जुड़ते हैं तो इनका मनोबल बढ़ता है और धीरे धीरे ये और बहुत अच्छा बेहतर काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा और आशा विश्वास है सर। तो आपका पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर, नमस्कार। सर आपका कॉलेज छोटा नहीं, काफी बड़ा है, ये आपकी धन्यवाद सर, बहुत हैं और इतना कम स्टाफ होने के बाद भी आप इतने कार्यक्रम। जी सर, अब प्राचार्य महोदय की अनुमति से आज के कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करें सर। थैंक यू। दो मिनट भारत सर कुछ कह रहे हैं ना, दो मिनट सुन लीजिए। अच्छा जी जी सर, मुझको मेरा कुछ नहीं, मैं कह रहा था ये सर की सहृदयता है कि कॉलेज को छोटा बता रहे हैं, बल्कि आपके जो नजर है उससे सभी लोग परिचित हैं, छोटा प्लेस नहीं बोल सकते हैं।
अगर आप इंडिया के मैप में देखें तो मुझे लगता है बहुसंख्यक लोग डोंगरगढ़ की माटी से परिचित हैं, वहाँ की जो हिस्टोरिकल चीज़ें उनसे परिचित हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि सर आपके यहाँ स्टाफ कम है और इसके बाद भी आप लगातार लगातार एक अच्छे लोगों को बुला करके सर सारे वाइस चांसलर को आप जोड़ रहे हैं और इतना शानदार इसको भी आपने रिकॉर्ड किया है सर, ये रिकॉर्डिंग बता रही है, मतलब ये सारा मतलब ये बताता है कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अगर बहुत सारे लोग सर के स्थान पे होते तो शायद ये सोचते हैं मेरे पास स्टाफ नहीं है मैं कैसे करवा पाऊँगा, लेकिन आप ये देखिए सारे बहुत बेहतरीन हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कई बार जुड़ नहीं पाए हैं, 100 तक आपकी स्ट्रेंथ पहुँची है सर, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, उससे हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं सर क्या तो बुलाने के लिए धन्यवाद। यस सर, आप धन्यवाद सर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे महाविद्यालय के लिए, थैंक यू सर।